बाहुबली का क्रेज अभी भी खत्म नहीं हुआ है। शायद यही वजह है कि फैंस अभी भी इस आस में हैं कि कब राजामौली बाहुबली 3 बनाएंगी। तीसरे पार्ट को लेकर फिल्म की हीरोइन रही तमन्ना भाटिया ने एक अहम जानकारी दी है। जब भी कोई उनसे पूछता है कि बाहुबली 3 बनेगी या नहीं, तो वो कहती है कि जब भी बाहुबली का तीसरा पार्ट बनेगा उसे SS राजामौली ही डायरेक्ट करेंगे। बाहुबली और बाहुबली 2 दोनों ही फिल्में ब्लॉकबस्टर रही थी और बॉक्स ऑफिस पर कमाल का बिजनेस किया था। हालांकि साल 2017 में एक इंटरव्यू में राजामौली ने कहा था कि अगर उन्हें अच्छी कहानी मिलती है तो वो बाहुबली 3 जरूर बनाएंगे। बेहतरीन इफेक्ट, रोमांस और स्क्रीन प्ले से भरी इस फिल्म के डायलॉग हर किसी की जुबान पर चढ़ गए थे। अगर आपने अभी तक फिल्म नहीं देखी है तो ये कुछ डायलॉग फिल्म की कहानी बयां करने में आपकी मदद करेंगे। बाहुबली ने कटप्पा से कहा, जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे मारने वाला पैदा नहीं हुआ मामा। कटप्पा ने राजमाता शिवगामी से कहा, संसार इधर से उधर हो जाए पर बाहुबली से फूल नहीं हो सकती। बाहुबली ने अपने सैनिकों से कहा, देव सेना को हाथ से लगाया तो समझो बाहुबली की तलवार को हाथ लगाया। बाहुबली की मौत के बाद शिवगामी देव सेना से कहा, बाहुबली की महानता समझकर तुम आकाश से भी ऊंची हो गई। बाहुबली की मौत के बाद कटप्पा शिवगामी से कहा, गलत किया तुमने शिवगामी, बहुत बड़ी भूल कर दी, अपने ही बेटे का षड्यंत्र नहीं समझ पाई तुम। और जब ये संवाद महेंद्र बाहुबली ने भरी राजसभा में कहा, औरत पर हाथ डालने वाले का हाथ नहीं काटते हैं उसका गला काटते हैं। महेंद्र बाहुबली राजा बनने के बाद मेरा वचन ही मेरा शासन है। भारतीय सिनेमा के इतिहास में अपने करिश्माई अवतार के लिए बाहुबली और बाहुबली 2 को आज भी याद किया जाता है। डायरेक्टर SS राजामौली की फिल्म को देखने के लिए न केवल देश बल्कि विदेश में भी दर्शकों ने 2 साल का लंबा इंतजार किया था। जब ये फिल्म रिलीज हुई थी तो हॉलीवुड की फिल्में भी बाहुबली के आगे पानी भरती नजर आई थी। अमरेंद्र बाहुबली यानी मैं, महेशमती की असंख्य प्रजा और उनके धर्म मान और प्राण की रक्षा करूंगा, और इसके लिए मुझे अपने प्राणों की आहुति भी देनी पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। राजमाता शिवगामी देवी को साक्षी मानकर मैं ये शपथ लेता हूँ। आज के लिए बस इतना ही। आप हमें कमेंट करके बताइए कि आप बाहुबली का कितना बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों बहुत जल्द ही बाहुबली 3 की स्क्रिप्ट पूरी हो जाएगी और फिर इस फिल्म का फर्स्ट लुक, फिर टीजर, फिर ट्रेलर आएगा जो आपको बहुत ही ज्यादा मजा देगा। प्रभास की फिल्म ने 3 साल पहले आज ही के दिन किस तरह का इतिहास रचा था? क्या बाहुबली 3 बनेगी? प्रभास की लोकप्रियता के आगे सलमान खान, शाहरुख खान और आमिर खान की लोकप्रियता कम कैसे पड़ गई थी? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गरिमा तोमर, आपका दिल से स्वागत है हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में। फिल्म सुपरस्टार प्रभास अपनी 2 भागों में रिलीज हुई एक्शन ड्रामा फिल्म बाहुबली द बिगिनिंग और बाहुबली 2 द कंक्लूजन के लिए लोकप्रिय है। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए थे और कई नए रिकॉर्ड्स भी बनाए जो आज तक कोई नहीं तोड़ पाया। फिल्म निर्देशक SS राजामौली के निर्देशन में बनी फिल्म को कई अवार्ड्स भी मिले और सिल्वर स्क्रीन पर प्रभास और अन्य सितारों के शानदार प्रदर्शन के कारण जल्द ही इसे दुनिया भर में लोकप्रियता भी हासिल हुई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि फिल्म ने रिलीज होने के 10 दिनों के भीतर ही बॉक्स ऑफिस पर 1,000 करोड़ रुपए की कमाई कर ली थी और आज वो दिन है जब इसने 3 साल पहले ये रिकॉर्ड बनाया था। हालांकि प्रभास और फिल्म ने जो सफलता और गौरव अर्जित किया है उसके लिए शब्द पर्याप्त नहीं हो सकते हैं, लेकिन बाहुबली निश्चित रूप से एक टॉप ट्रेंडिंग फिल्म बन गई है जो जब भी रिलीज हुई दर्शकों ने उसे हाथों हाथ लिया। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया और इंडस्ट्री में तहलका मचाया। इस फिल्म को रॉयल अल्बर्ट हॉल में एकमात्र गैर अंग्रेजी फिल्म के तौर पर रिलीज होने का सम्मान और गर्व प्राप्त है। इस बीच सुपरस्टार प्रभास और मजबूत होते जा रहे हैं और अभिनेता अपनी अगली वर्ल्ड वाइड रिलीज होने वाली फिल्म नाग अश्वनी में नजर आएंगे जो कि काफी आशाजनक लग रही है।
फिल्म बाहुबली में प्रभास के अलावा राणा दग्गुबाती, तमन्ना भाटिया जैसे कलाकारों की अहम भूमिका थी। सभी को ये फिल्म बहुत पसंद आई थी। इस फिल्म के कारण प्रभास की लोकप्रियता इतनी बढ़ गई थी कि उनके आगे सलमान खान, शाहरुख खान और आमिर खान की लोकप्रियता भी कम पड़ गई। किसी भी कलाकार में इतना साहस नहीं था कि वो बाहुबली 2 के साथ अपनी फिल्म को रिलीज करने की चेष्टा करता। खैर, फिल्म बाहुबली के चलते प्रभास आज भी पसंद किए जाते हैं, भले ही उनकी साहो उतना प्रदर्शन नहीं दिखा पाई, लोगों को उतना एंटरटेन नहीं कर पाई, लेकिन उम्मीदें अभी भी कायम हैं कि आने वाले समय में प्रभास फिर से शायद अपना वही जादू बिखेरेंगे। ट्रिपल आर के मोशन पोस्टर के साथ बाहुबली 3 की चर्चा क्यों शुरू हो गई? बाहुबली 3 को लेकर SS राजामौली क्या प्लानिंग कर रहे हैं? तीसरे पार्ट को लेकर फिल्म की हीरोइन रही तमन्ना भाटिया ने क्या अहम जानकारी दी है? बाहुबली को लोग भूल क्यों नहीं पा रहे हैं? मैं आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्राड के फिल्मी गलियारे में। बाहुबली का क्रेज अभी भी खत्म नहीं हुआ है। शायद यही वजह है कि फैंस अभी भी इस आस में हैं कि कब राजामौली बाहुबली 3 बनाएंगे। तीसरे पार्ट को लेकर फिल्म की हीरोइन रही तमन्ना भाटिया ने एक अहम जानकारी दी है। जब भी कोई उनसे पूछता है कि बाहुबली 3 बनेगी या नहीं, तो वो कहती हैं कि जब भी बाहुबली का तीसरा पार्ट बनेगा, उसे SS राजामौली ही डायरेक्ट करेंगे। बाहुबली और बाहुबली 2 दोनों ही फिल्में ब्लॉकबस्टर रही थी और बॉक्स ऑफिस पर कमाल का बिजनेस किया था। हालांकि साल 2017 में एक इंटरव्यू में राजामौली ने कहा था कि अगर उन्हें अच्छी कहानी मिलती है तो वो बाहुबली 3 जरूर बनाएंगे। बेहतरीन इफेक्ट, रोमांस और स्क्रीन प्ले से भरी इस फिल्म के डायलॉग हर किसी की जुबान पर चढ़ गए थे। अगर आपने अभी तक फिल्म नहीं देखी है तो ये कुछ डायलॉग फिल्म की कहानी बयां करने में आपकी मदद करेंगे। बाहुबली ने कटप्पा से कहा, जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे मारने वाला पैदा नहीं हुआ मामा। कटप्पा ने राजमाता शिवगामी से कहा, संसार इधर से उधर हो जाए पर बाहुबली से फूल नहीं हो सकती। बाहुबली ने अपने सैनिकों से कहा, देव सेना को हाथ से लगाया तो समझो बाहुबली की तलवार को हाथ लगाया। बाहुबली की मौत के बाद शिवगामी देव सेना से कहा, बाहुबली की महानता समझकर तुम आकाश से भी ऊंची हो गई। बाहुबली की मौत के बाद कटप्पा शिवगामी से कहा, गलत किया तुमने शिवगामी, बहुत बड़ी भूल कर दी, अपने ही बेटे का षड्यंत्र नहीं समझ पाई तुम। और जब ये संवाद महेंद्र बाहुबली ने भरी राजसभा में कहा, औरत पर हाथ डालने वाले का हाथ नहीं काटते हैं, उसका गला काटते हैं। महेंद्र बाहुबली राजा बनने के बाद मेरा वचन ही मेरा शासन है। भारतीय सिनेमा के इतिहास में अपने करिश्माई अवतार के लिए बाहुबली और बाहुबली 2 को आज भी याद किया जाता है। डायरेक्टर SS राजामौली की फिल्म को देखने के लिए न केवल देश बल्कि विदेश में भी दर्शकों ने 2 साल का लंबा इंतजार किया था। जब ये फिल्म रिलीज हुई थी तो हॉलीवुड की फिल्में भी बाहुबली के आगे पानी भरती नजर आई थी। अमरेंद्र बाहुबली यानी मैं, महेशमति की असंख्य प्रजा और उनके धर्म, मान और प्राण की रक्षा करूंगा, और इसके लिए मुझे अपने प्राणों की आहुति भी देनी पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। राजमाता शिवगामी देवी को साक्षी मानकर मैं ये शपथ लेता हूं। जैसे जैसे ट्रिपल आर की खबरें आती जा रही है, वैसे वैसे लोगों के मन में एक और उत्साह पैदा हो रहा है, और वो है बाहुबली 3 को लेकर के। अब सुनने में आ रहा है कि बाहुबली 3 पर भी SS राजामौली काम करना शुरू कर देंगे। जैसे ही ट्रिपल आर रिलीज होती है उसके बाद बाहुबली 3 पर काम शुरू हो जाएगा। लेकिन ये निश्चित नहीं है कि बाहुबली के तीसरे पार्ट में कौन कौन सुपरस्टार काम करेंगे, अभी इसकी ऑफिशियल घोषणा होना बाकी है। लेकिन फिल्मी गलियारों की बात माने तो ये कहा जा रहा है कि इस फिल्म में भी प्रभास होंगे। बाहुबली 3 को लेकर SS राजामौली क्या प्लानिंग कर रहे हैं? ट्रिपल आर के मोशन पोस्टर के साथ बाहुबली 3 की चर्चा क्यों शुरू हो गई? तीसरे पार्ट को लेकर फिल्म की हीरोइन रही तमन्ना भाटिया ने क्या अहम जानकारी दी है? बाहुबली को लोग भूल क्यों नहीं पा रहे हैं? मैं आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्राड के फिल्मी गलियारे में। बाहुबली का क्रेज अभी भी खत्म नहीं हुआ है। शायद यही वजह है कि फैंस अभी भी इस आस में हैं कि
कब राजा मौली बाहुबली 3 बनाएंगे। तीसरे पार्ट को लेकर फिल्म की हीरोइन रही तमन्ना भाटिया ने एक अहम जानकारी दी है। जब भी कोई उनसे पूछता है कि बाहुबली 3 बनेगी या नहीं, तो वो कहती है कि जब भी बाहुबली का तीसरा पार्ट बनेगा उसे SS राजामौली ही डायरेक्ट करेंगे। बाहुबली और बाहुबली 2 दोनों ही फिल्में ब्लॉकबस्टर रही थी और बॉक्स ऑफिस पर कमाल का बिजनेस किया था। हालांकि साल 2017 में एक इंटरव्यू में राजामौली ने कहा था कि अगर उन्हें अच्छी कहानी मिलती है तो वो बाहुबली 3 जरूर बनाएंगे। बेहतरीन इफेक्ट, रोमांस और स्क्रीन प्ले से भरी इस फिल्म के डायलॉग हर किसी की जुबान पर चढ़ गए थे। अगर आपने अभी तक फिल्म नहीं देखी है तो ये कुछ डायलॉग फिल्म की कहानी बयां करने में आपकी मदद करेंगे। बाहुबली ने कटप्पा से कहा, जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे मारने वाला पैदा नहीं हुआ मामा। कटप्पा ने राजमाता शिवगामी से कहा, संसार इधर से उधर हो जाए पर बाहुबली से फूल नहीं हो सकती। बाहुबली ने अपने सैनिकों से कहा, देव सेना को हाथ से लगाया तो समझो बाहुबली की तलवार को हाथ लगाया। बाहुबली की मौत के बाद शिवगामी देवसेना से कहा, बाहुबली की महानता समझकर तुम आकाश से भी ऊंची हो गई। बाहुबली की मौत के बाद कटप्पा शिवगामी से कहा, गलत किया तुमने शिवगामी, बहुत बड़ी भूल कर दी, अपने ही बेटे का षड्यंत्र नहीं समझ पाई तुम। और जब ये संवाद महेंद्र बाहुबली ने भरी राजसभा में कहा, औरत पर हाथ डालने वाले का हाथ नहीं काटते हैं उसका गला काटते हैं। महेंद्र बाहुबली राजा बनने के बाद मेरा वचन ही मेरा शासन है। भारतीय सिनेमा के इतिहास में अपने करिश्माई अवतार के लिए बाहुबली और बाहुबली 2 को आज भी याद किया जाता है। डायरेक्टर SS राजामौली की फिल्म को देखने के लिए न केवल देश बल्कि विदेश में भी दर्शकों ने 2 साल का लंबा इंतजार किया था। जब यह फिल्म रिलीज हुई थी तो हॉलीवुड की फिल्में भी बाहुबली के आगे पानी भरती नजर आई थी। अमरेंद्र बाहुबली यानी मैं महेशमती की असंख्य प्रजा और उनके धर्म मान और प्राण की रक्षा करूंगा और इसके लिए मुझे अपने प्राणों की आहुति भी देनी पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। राजमाता शिवगामी देवी को साक्षी मानकर मैं ये शपथ लेता हूं। जैसे जैसे RRR की खबरें आती जा रही है वैसे वैसे लोगों के मन में एक और उत्साह पैदा हो रहा है और वो है बाहुबली 3 को लेकर के। अब सुनने में आ रहा है कि बाहुबली 3 पर भी SS राजामौली काम करना शुरू कर देंगे। जैसे ही RRR रिलीज होती है उसके बाद बाहुबली 3 पर काम शुरू हो जाएगा। बाहुबली 3 आएगी कि नहीं, रिलीज के 5 सालों बाद भी दर्शकों में क्लाइमेक्स का उत्साह क्यों दिखाई दे रहा है? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गरिमा तोमर, आपका दिल से स्वागत है हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में। साल 2015 में आई फिल्म बाहुबली द बिगनिंग और 2017 में आई बाहुबली द कंक्लूजन ने बॉक्स ऑफिस पर जो धमाकेदार रिकॉर्ड्स हासिल किए थे उसे 5 सालों में भी कोई नहीं तोड़ पाया है। प्रभास स्टारर इस सीरीज ने असाधारण प्रदर्शन दिया। फिल्म ने दर्शकों से तारीफ प्राप्त करते हुए 1,000 करोड़ का आंकड़ा भी पार कर लिया था। भारत ही नहीं बाहुबली सीरीज ने वर्ल्ड वाइड भी बेहतरीन प्रदर्शन दिया था। लॉकडाउन के दौरान भी ये फिल्म टेलीविजन पर दर्शकों के भीतर उत्साह को बढ़ा रही है। चैनलों को भी इसकी लोकप्रियता और प्रभास की फैंडम के कारण अच्छी TRP मिल रही है। इसका क्लाइमेक्स अभी भी वही रोमांचक अनुभव देता है जैसा की जब ये रिलीज हुई थी। प्रभास की स्क्रीन पर उपस्थिति हर बार एक व्यापक प्रभाव पैदा करती है। अपनी आकर्षक फिजिक, प्रभावशाली संवाद और हमेशा अपनी फिल्मों और किरदारों के जरिए दर्शकों के साथ प्रभास ने एक अनूठा जुड़ाव बना लिया है। प्रभास के फैन बेस की कोई सीमा नहीं है और वो पैन इंडिया सुपरस्टार के रूप में लोकप्रिय हैं। प्रभास ने हमेशा ऐसी फिल्में दी हैं जो एक मुकाम हासिल करती हैं। प्रभास ने जितने विविध किरदारों को निभाया है उनकी बहुमुखी प्रतिभा का चयन करने के लिए हमेशा शब्दों की कमी होती है। अपनी लोकप्रियता और अपने काम के प्रति समर्पण के कारण प्रभास हर निर्देशक की पहली पसंद है।
आने वाली फिल्मों की अगर बात करें तो प्रभास अपनी अगली 20वीं फिल्म नाग अश्वनी के निर्देशन में कर रहे हैं, जो पहली बार पैन वर्ल्ड रिलीज हो रही है। बाहुबली 3 की अगर बात करें कि आएगी या नहीं, ये सवाल उतना ही पुराना है जितना कि बाहुबली 2 की रिलीज डेट। मतलब जिस दिन फिल्म का दूसरा पार्ट रिलीज हुआ उसी दिन से फिल्म के तीसरे पार्ट का इंतजार भी शुरू हो गया था। बस उन्हीं इंतजार करने वालों के लिए एक खबर है। पत्रकार राजीव मंसद के साथ एक इंटरव्यू में प्रभास ने बाहुबली फिल्म को कर कुछ ऐसा कहा था कि बाहुबली 3 फिल्म आने के अनुमान लगाए जाने लगे हैं। बाहुबली 3 फिल्म आएगी कि नहीं, इस सवाल पर भी प्रभास ने कहा, अगर राजामौली को बाहुबली का तीसरा भाग बनाना है तो इसके लिए उन्हें उत्साह दिखाना होगा। उन्होंने मुझे केवल 6 स्क्रिप्ट दी थी, शायद उनके पास कम से कम 10 से 14 स्क्रिप्ट हैं। बाहुबली 2 तक हम लोगों ने केवल 60% स्क्रिप्ट ही खत्म की है। मुझे मालूम है कि राजामौली के दिमाग में बाहुबली 3 की स्क्रिप्ट पिछले 5 सालों से होगी, लेकिन मैं ये नहीं बता सकता हूँ कि बाहुबली 3 कब तक शुरू हो पाएगी। लेकिन इन बातों से ये तो कन्फर्म हो गया है कि बाहुबली 3 आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो क्या आप बाहुबली 3 देखना चाहते हैं? वेल, मैं तो जरूर देखना चाहती हूँ। दोस्तों, पहले तो मैंने ये दोनों ही फिल्में नहीं देखी थी, मैंने रिसेंटली अभी इन दोनों फिल्मों को एक साथ देखा और मैं वाकई दंग रह गई, क्योंकि मैं उतनी फिल्मों की शौकीन नहीं थी। लेकिन जब मैंने ये दोनों फिल्में वो भी कॉन्टिन्यूटी के साथ देखी तो अलग ही मजा आया, अलग ही फील। इसके म्यूजिक हो इस फिल्म का, या डायलॉग डिलीवरी हो, या सिनेमेटोग्राफी हो, डायरेक्शन हो, सब कुछ लाजवाब है। और मैं तो सच में चाहती हूँ कि इसका तीसरा पार्ट हमें जल्द से जल्द देखने को मिले। बाहुबली का क्रेज अभी भी खत्म नहीं हुआ है, शायद यही वजह है कि फैंस अभी भी इस आस में है कि कब राजामौली बाहुबली 3 बनाएंगे। तीसरे पार्ट को लेकर फिल्म की हीरोइन रही तमन्ना भाटिया ने एक अहम जानकारी दी है। जब भी कोई उनसे पूछता है कि बाहुबली 3 बनेगी या नहीं, तो वो कहती हैं कि जब भी बाहुबली का तीसरा पार्ट बनेगा उसे SS राजामौली ही डायरेक्ट करेंगे। बाहुबली और बाहुबली 2 दोनों ही फिल्में ब्लॉकबस्टर रही थी और बॉक्स ऑफिस पर कमाल का बिजनेस किया था। हालांकि साल 2017 में एक इंटरव्यू में राजामौली ने कहा था कि अगर उन्हें अच्छी कहानी मिलती है तो वो बाहुबली 3 जरूर बनाएंगे। बेहतरीन इफेक्ट, रोमांस और स्क्रीन प्ले से भरी इस फिल्म के डायलॉग हर किसी की जुबान पर चढ़ गए थे। अगर आपने अभी तक फिल्म नहीं देखी है तो ये कुछ डायलॉग फिल्म की कहानी बयां करने में आपकी मदद करेंगे। बाहुबली ने कटप्पा से कहा, जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे मारने वाला पैदा नहीं हुआ मामा। कटप्पा ने राजमाता शिवगामी से कहा, संसार इधर से उधर हो जाए पर बाहुबली से फूल नहीं हो सकती। बाहुबली ने अपने सैनिकों से कहा, देव सेना को हाथ से लगाया तो समझो बाहुबली की तलवार को हाथ लगाया। बाहुबली की मौत के बाद शिवगामी देव सेना से कहा, बाहुबली की महानता समझकर तुम आकाश से भी ऊंची हो गई। बाहुबली की मौत के बाद कटप्पा शिवगामी से कहा, गलत किया तुमने शिवगामी, बहुत बड़ी भूल कर दी, अपने ही बेटे का षड्यंत्र नहीं समझ पाई तुम। और जब ये संवाद महेंद्र बाहुबली ने भरी राजसभा में कहा, औरत पर हाथ डालने वाले का हाथ नहीं काटते हैं, उसका गला काटते हैं। महेंद्र बाहुबली राजा बनने के बाद मेरा वचन ही मेरा शासन है। भारतीय सिनेमा के इतिहास में अपने करिश्माई अवतार के लिए बाहुबली और बाहुबली 2 को आज भी याद किया जाता है। डायरेक्टर SS राजामौली की फिल्म को देखने के लिए न केवल देश बल्कि विदेश में भी दर्शकों ने 2 साल का लंबा इंतजार किया था। जब ये फिल्म रिलीज हुई थी तो हॉलीवुड की फिल्में भी बाहुबली के आगे पानी भरती नजर आई थी। अमरेंद्र बाहुबली यानी मैं, महेशमति की असंख्य प्रजा और उनके धर्म, मान और प्राण की रक्षा करूंगा, और इसके लिए मुझे अपने प्राणों की आहुति भी देनी पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। राजमाता शिवगामी देवी को साक्षी मानकर मैं ये शपथ लेता हूं। बाहुबली 3 में क्या अलग होने वाला है और क्या असर होगा इस फिल्म का प्रभास के फिल्मी सफर पर? हेलो दोस्तों, बॉलीग्राड स्टूडियो से मैं हुसानिया सैफी। दोस्तों, साउथ के सुपरस्टार प्रभास बाहुबली सीरीज में काम करने के बाद से जिस तरह लोगों के बीच पॉपुलर हुए हैं उसका कोई सानी नहीं है।
उनकी फिजिक पर तो लड़कियां पहले से ही फिदा हैं, साथ ही अब उनके एक्शन की भी दुनिया दीवानी है। अब तो प्रभास बॉलीवुड में भी एंट्री मार रहे हैं। दोस्तों, बॉलीवुड में अगर एक एक्टर को लंबे वक्त के लिए टिकना है तो सफलता का मापदंड एक ही है, वो ये कि उसे वर्सटाइल होना पड़ेगा। कोई भी कलाकार यहाँ सिर्फ रोमांटिक, एक्शन या फिर कॉमेडी करके ही ज्यादा समय तक सफलता की बुलंदियां नहीं छू सकता। एक समय तो ऐसा आ ही जाता है जब दर्शक उसे नकारना शुरू कर देते हैं। देव आनंद, मिथुन चक्रवर्ती, राजेश खन्ना और गोविंदा जैसे कलाकारों को इस लिस्ट में लिया जा सकता है, जो कि एक ही जॉनर की फिल्मों पर काम करते रह गए और एक समय के बाद दर्शक उनकी फिल्मों को नकारने लगे। मौजूदा समय में शाहरुख खान के साथ भी यही हो रहा है। बॉलीवुड के किंग खान होने के बाद भी उनकी फिल्में उस हिसाब से नहीं चल पा रही हैं। तो क्या प्रभास भी इसी राह पर हैं? ऐसा पूरी तरह से कहना तो ठीक नहीं होगा, क्योंकि वो युवा कलाकारों में गिने जाते हैं। उनके पास अभी समय है, मगर पिछले 5 साल में अगर गौर किया जाए तो प्रभास ने बड़े प्रोजेक्ट का हिस्सा बनना जारी रखा है। इसके चलते उन्होंने फिल्में भी कम ही की हैं और साथ में वो लगातार एक्शन फिल्में ही कर रहे हैं। हालांकि अभी सुपरस्टार के पक्ष में बात यह है कि उनकी एक्टिंग को काफी पसंद किया जा रहा है। तो इन सब के बीच प्रभास का खुद का क्या कहना है? एक पुराने इंटरव्यू में प्रभास इस बात का जिक्र भी कर चुके हैं। उन्होंने कहा था कि वो खुद अलग तरह की फिल्में करना चाहते हैं। बाहुबली के बाद से लोगों के मन में उनको लेकर उम्मीदें काफी बढ़ गई हैं। ऐसे में अब उनके ऊपर लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने का एक बहुत ही बड़ा भार है। साथ ही बड़े प्रोजेक्ट में काम करना उनका कंफर्ट जोन बन गया है, जिससे वो बाहर निकलना चाहते हैं। साहू के बाद चर्चा में है प्रभास की ब्लॉकबस्टर फिल्म बाहुबली का थर्ड पार्ट, यानी कि बाहुबली 3। लेकिन दोस्तों, एक खास बात यह है कि इस फिल्म में हमें कहानी पहले की देखने को मिलेगी, यानी कि फिल्म में नजर आएगा प्रीक्वल। हम देखते हैं कि एक के बाद एक बॉलीवुड में ट्रेंड चलता है, या तो एक साथ पीरियड ड्रामा फिल्में आएंगी, या एक साथ सीक्वल्स आएंगे, या एक साथ रीमेक्स आएंगे। इसी तरह से जो एक चलन चल जाता है, लोग उसको ही फॉलो करने लग जाते हैं। और अब रीसेंट चलन चला है प्रीक्वल्स का। हम देख रहे हैं कि अब कोई भी फिल्म हिट होने के बाद उसकी फ्रेंचाइजी के नए पार्ट में फिल्म मेकर्स उस फिल्म की कहानी का पहले का पार्ट सुनाना चाहते हैं, जैसे कि अभी हो रहा है फिल्म दबंग के साथ। दबंग 3 में हमें दबंग 1 और 2 के पहले की कहानी देखने को मिलेगी। और इसी सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बाहुबली के फिल्म मेकर्स भी अपनी थर्ड इंस्टॉलमेंट में पहले की कहानी सुनाना चाहते हैं। खास बात यह है कि इस फिल्म के लिए अभी से ही प्रभास ने तैयारी करनी शुरू कर दी है। प्रभास ने 10 किलो वजन घटा लिया है, क्योंकि इस फिल्म में उनको और भी ज्यादा यंगर लगना है। बाहुबली के भल्लाल देव की शादी क्यों होगी स्पेशल? आखिर किस बिजनेस वुमेन से करने वाले हैं शादी? टॉलीवुड और बॉलीवुड सितारों ने शादी को लेकर क्या कहा? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गरिमा तोमर, आपका दिल से स्वागत है हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में। बाहुबली के भल्लाल देव यानी राणा दग्गुबाती शादी करने वाले हैं। हाल ही में उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड मिहिका बजाज को शादी के लिए प्रपोज किया और जवाब हाँ में आया। दग्गुबाती ने खुद सोशल मीडिया पर फोटो डालकर ये खबर सुनाई। 12 मई को मिहिका के साथ एक तस्वीर डाली, कैप्शन दिया और उसने हाँ बोल दिया। उसके बाद से तो बधाइयों का तांता लग गया। साउथ फिल्म इंडस्ट्री से लेकर हिंदी सिनेमा जगत के लोगों ने उन्हें विश किया। बाहुबली की एक्ट्रेस अनुष्का शेट्टी ने लिखा, ब्रो और मिहिका बजाज को बधाई, आपकी खुशी के लिए शुभकामनाएं, हम सभी की तरफ से ढेर सारा प्यार हमेशा। एक्टर चिरंजीवी ने ट्विटर पर दग्गुबाती की एक तस्वीर डाली और लिखा, बधाई हो माय बॉय राणा दग्गुबाती, आखिरकार पराक्रमी भल्लाल देव को क्यूपिड ने खोज निकाला। लॉकडाउन ने वेडलॉक कर दिया, आप दोनों को भगवान खुश रखे। लॉकडाउन ने वेडलॉक बिपाशा बसु ने भी ट्वीट कर लिखा, बधाई हो राणा, बहुत बढ़िया खबर है, क्लब को जल्दी ज्वाइन करो। राणा के इस अनाउंसमेंट के बाद कई लोग सोशल मीडिया पर मिहिका के बारे में जानना चाह रहे हैं, पूछ रहे हैं कि वो आखिर कौन है। मिहिका दरअसल एक बिजनेस वूमेन है। TOI की रिपोर्ट के मुताबिक वो एक इवेंट मैनेजमेंट एंड डेकोर कंपनी ड्यू ड्रॉप डिजाइन स्टूडियो की फाउंडर है। बंटी बजाज और सुरेश बजाज की बेटी। माँ बंटी ज्वेलरी बिजनेस इंडस्ट्री का बड़ा नाम है। हैदराबाद में करसला नाम से ज्वेलरी का बड़ा स्टोर है। वहीं मिहिका मुंबई और लंदन से पढ़ी है। करियर के शुरुआती दिनों में मुंबई में करीब 1 साल तक इंटर्न डिजाइनर के तौर पर काम किया, फिर डिजाइन पटाखी में राइटर के तौर पर काम किया। 2017 में अपनी खुद की कंपनी खोल ली। अब बात करेंगे कब होगी शादी।
राणा दग्गुबाती के पिता सुरेश बाबू ने बताया कि इसी साल हम शादी करेंगे, शायद दिसंबर के आसपास या उसके पहले भी हो सकती है। उन्होंने साथ ही कहा, इस डरावने वक्त में हमें आखिरकार जश्न का मौका मिला। दोनों एक दूसरे को काफी पहले से जानते हैं, हम उनके लिए बेहद खुश हैं। शादी के बारे में बात करना अभी बहुत जल्दबाजी होगी, लेकिन इतना है कि इसी साल शादी होगी, शायद दिसंबर में या उससे पहले भी हो सकती है। सब फाइनल होने के बाद हम जानकारी देंगे। सुरेश बाबू का कहना है कि अब लॉकडाउन के वक्त वो आराम से अपने बेटे की शादी की प्लानिंग कर सकते हैं। बाहुबली 3 को लेकर SS राजामौली क्या प्लानिंग कर रहे हैं? तीसरे पार्ट को लेकर फिल्म की हीरोइन रही तमन्ना भाटिया ने क्या अहम जानकारी दी है? बाहुबली को लोग भूल क्यों नहीं पा रहे हैं? मैं आपका स्वागत करता हूँ बॉलीग्राड के फिल्मी गलियारे में। बाहुबली का क्रेज अभी भी खत्म नहीं हुआ है, शायद यही वजह है कि फैंस अभी भी इस आस में है कि कब राजामौली बाहुबली 3 बनाएंगे। तीसरे पार्ट को लेकर फिल्म की हीरोइन रही तमन्ना भाटिया ने एक अहम जानकारी दी है। जब भी कोई उनसे पूछता है कि बाहुबली 3 बनेगी या नहीं, तो वो कहती है कि जब भी बाहुबली का तीसरा पार्ट बनेगा उसे SS राजामौली ही डायरेक्ट करेंगे। बाहुबली और बाहुबली 2 दोनों ही फिल्में ब्लॉकबस्टर रही थी और बॉक्स ऑफिस पर कमाल का बिजनेस किया था। हालांकि साल 2017 में एक इंटरव्यू में राजामौली ने कहा था कि अगर उन्हें अच्छी कहानी मिलती है तो वो बाहुबली 3 जरूर बनाएंगे। बेहतरीन इफेक्ट, रोमांस और स्क्रीन प्ले से भरी इस फिल्म के डायलॉग हर किसी की जुबान पर चढ़ गए थे। अगर आपने अभी तक फिल्म नहीं देखी है तो ये कुछ डायलॉग फिल्म की कहानी बयां करने में आपकी मदद करेंगे। बाहुबली ने कटप्पा से कहा, जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे मारने वाला पैदा नहीं हुआ मामा। कटप्पा ने राजमाता शिवगामी से कहा, संसार इधर से उधर हो जाए पर बाहुबली से फूल नहीं हो सकती। बाहुबली ने अपने सैनिकों से कहा, देव सेना को हाथ से लगाया तो समझो बाहुबली की तलवार को हाथ लगाया। बाहुबली की मौत के बाद शिवगामी देव सेना से कहा, बाहुबली की महानता समझ कर तुम आकाश से भी ऊंची हो गई। बाहुबली की मौत के बाद कटप्पा शिवगामी से कहा, गलत किया तुमने शिवगामी, बहुत बड़ी भूल कर दी, अपने ही बेटे का षड्यंत्र नहीं समझ पाई तुम। और जब ये संवाद महेंद्र बाहुबली ने भरी राजसभा में कहा, औरत पर हाथ डालने वाले का हाथ नहीं काटते हैं उसका गला काटते हैं। महेंद्र बाहुबली राजा बनने के बाद मेरा वचन ही मेरा शासन है। भारतीय सिनेमा के इतिहास में अपने करिश्माई अवतार के लिए बाहुबली और बाहुबली 2 को आज भी याद किया जाता है। डायरेक्टर SS राजामौली की फिल्म को देखने के लिए न केवल देश बल्कि विदेश में भी दर्शकों ने 2 साल का लंबा इंतजार किया था। जब ये फिल्म रिलीज हुई थी तो हॉलीवुड की फिल्में भी बाहुबली के आगे पानी भरती नजर आई थी। अमरेंद्र बाहुबली यानी मैं, महेशमती की असंख्य प्रजा और उनके धर्म मान और प्राण की रक्षा करूंगा, और इसके लिए मुझे अपने प्राणों की आहुति भी देनी पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। राजमाता शिवगामी देवी को साक्षी मानकर मैं ये शपथ लेता हूँ। क्या बाहुबली का तीसरा पार्ट बनेगा या नहीं? बाहुबली 3 की स्टोरी क्या हो सकती है? और क्या सलमान खान नजर आ सकते हैं बाहुबली 3 में या नहीं? और कौन से एक्टर और एक्ट्रेस चाहते थे बाहुबली में काम करना? बाहुबली द कंक्लूजन का VFX काम कैसे कंप्लीट हुआ था और कितनी टीम लगी थी इस काम में? और भी कुछ बातें जानेंगे बाहुबली द कंक्लूजन के बारे में, साथ ही पढ़ेंगे लोगों द्वारा पूछे गए कुछ इंटरेस्टिंग सवाल और उनके जवाब देंगे इस वीडियो के एंड में। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आप सभी का स्वागत है स्टूडियोज के नए वीडियो में। बाहुबली एक ऐसी फिल्म बन गई है जिसकी कमाई के आगे किसी भी फिल्म के टिकने की कोई गुंजाइश नहीं है। वो बाहुबली की कहानी हो या फिर इसके स्टार कास्ट, इसने लोगों को अपना दीवाना बना दिया है। बाहुबली एकलौती ऐसी फिल्म है जिसने रिलीज से पहले और रिलीज के बाद कई रिकॉर्ड्स अपने नाम किए हैं। बाहुबली के डायरेक्टर ने ये घोषणा की है कि भले ही बाहुबली की कहानी बड़े पर्दे पर खत्म हो जाए पर इसकी दुनिया का अंत नहीं होगा। अगर आपने बाहुबली द कंक्लूजन देखी है और आप इस सवाल को लेकर संशय में हैं कि क्या मूवी का तीसरा पार्ट भी आएगा,
जाएगा तो आप अपनी उम्मीदों को जिंदा रख सकते हैं। यूं तो बाहुबली सीरीज के डायरेक्टर SS राजा मौली ने कहा था कि इस मूवी का तीसरा पार्ट नहीं आएगा, लेकिन दुनिया भर में इसके दोनों पार्ट्स को जिस तरह का प्यार और रिस्पांस मिला है उससे राजा मौली अपना फैसला बदल भी सकते हैं। दुनिया भर के थिएटर्स और वर्ल्ड बॉक्स ऑफिस में रिकॉर्ड बनाने वाली इस भारतीय फिल्म की ऑडियंस को निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाहुबली 3 के रिलीज होने की उम्मीद अभी जिंदा है। राजा मौली बाहुबली के तीसरे भाग में अमरेंद्र बाहुबली, शिवगामी और भल्लाल देव के पिता बिजल देव की कहानी को फिल्माएंगे। ये फिल्म बाहुबली सीरीज का प्रीक्वल होगी जिसमें बाहुबली के जन्म से पहले की कहानी बताई जाएगी। इससे पहले भी एक इंटरव्यू के दौरान राजा मौली ने इसके बारे में बात करते हुए कहा था कि बाहुबली की कहानी को और नहीं खींचा जाएगा। उनके मुताबिक बाहुबली 3 की कहानी को नए सिरे से बनाने के बारे में सोचा जा रहा है। इसके अलावा बाहुबली के तीसरे भाग में प्रभास नहीं होंगे। बाहुबली द कंक्लूजन में आखिरी डायलॉग तो आपको याद ही होगा, उसमें एक सवाल पूछा गया है, अच्छा दादा तो क्या महेंद्र बाहुबली का बेटा भी राजा बनेगा? तो सामने से रिप्लाई आता है कि क्या मालूम कि शिव के मन में क्या चल रहा है। इस डायलॉग को तीसरे पार्ट के निर्माण के हिंट के रूप में देखा जा सकता है। राजा मौली तो कई मौकों पर मूवी के तीसरे पार्ट को बनाने से इनकार करते हैं, लेकिन रिपोर्ट्स के अनुसार जब राजा मौली को बाहुबली सुनामी का दुनिया भर में पता लगा तो वो अपना मूड बदलने पर भी विचार कर सकते हैं। रिपोर्ट्स की माने तो शोभू और राजा मौली की इस टॉपिक पर मीटिंग भी हुई है। रिपोर्ट के अनुसार राजा मौली और शोभू ने तीसरे पार्ट को लेकर पहली बार डिस्कशन किया। राजा मौली के पिता विजेंद्र प्रसाद को तीसरे पार्ट के लिए प्लॉट तलाशने की जिम्मेदारी दी गई है। इस पार्ट को लिखने के लिए कुछ नए राइटर्स की भी मदद ली जा सकती है। हॉलीवुड में काम करने वाले कुछ स्क्रीन राइटर्स को भी जोड़ा जा सकता है। लेकिन हाँ, इतना तो ये मानकर चलिए कि बाहुबली सीरीज की तीसरी मूवी जरूर बनेगी। आपको बता दें कि राजा मौली ने 2015 में ट्वीट के जरिए बाहुबली के तीसरे पार्ट की संभावना की और इशारा किया था। हालांकि उन्होंने शर्त रखी थी कि ये दर्शकों के रिस्पांस पर निर्भर करेगा, और अगर इसे भी मान लिया जाए तो इस लिहाज से भी दर्शकों को बाहुबली 3 देखने को मिल सकती है। वही अगर मीडिया रिपोर्ट्स देखें तो लंदन में बाहुबली द कंक्लूजन की स्क्रीनिंग के दौरान राजा मौली ने कहा था कि अगर उनके पिता कोई बहुत ही बेहतरीन स्क्रिप्ट के साथ आते हैं तो तीसरा पार्ट बनने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसी खबर भी है कि करण जौहर और शोभू से इमोशनल लगाव होने की वजह से राजा मौली तीसरा पार्ट बनाने के लिए हाँ कह दे। वो इसमें ये शर्त रख सकते हैं कि बाहुबली 3 के लिए करण और शोभू एक साथ प्रोड्यूस करें। ये बहुत कम लोग जानते होंगे कि अमिताभ बच्चन भी इस फिल्म में काम करना चाहते थे। उन्होंने डायरेक्टर SS राजा मौली से इस बारे में बात भी की थी, लेकिन राजा मौली के पास अमिताभ के लिए कोई रोल नहीं था, इसीलिए अमिताभ इस फिल्म का हिस्सा नहीं बन सके। सिर्फ अमिताभ बच्चन ही नहीं बल्कि श्रीदेवी भी इस फिल्म का हिस्सा ना बन सकी। आपको बता दूं कि इस फिल्म ने पहले ही दिन 121 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था। इतना ही नहीं, फिल्म ने एडवांस बुकिंग के मामले में भी रिकॉर्ड बनाया था। ऑनलाइन बुकिंग शुरू होने के 24 घंटे के भीतर ही फिल्म के 10 लाख टिकट बिक चुके थे। साउथ के सिनेमा के भगवान रजनीकांत ने बाहुबली द कंक्लूजन देखने के बाद ट्विटर पर लिखा, बाहुबली द कंक्लूजन मास्टरपीस है और इंडियन सिनेमा को इस फिल्म पर गर्व है। डायरेक्टर राजा मौली ने अब बाहुबली 3 फिल्म बनाने की भी घोषणा कर दी है, लेकिन राजा मौली ने बताया कि बाहुबली 3 फिल्म का सीक्वल नहीं होगा। बाहुबली की कहानी बाहुबली 2 में खत्म हो जाएगी और बाहुबली 3 ये एक प्रीक्वल फिल्म होगी। सबसे बड़ी खबर तो ये है कि राजा मौली इस फिल्म में फैंस को बेहद नया और अद्भुत अनुभव देना चाहते हैं। खबरों के मुताबिक राजा मौली इस फिल्म में टॉलीवुड, बॉलीवुड और हॉलीवुड स्टार्स को एक साथ लाना चाहते हैं। बता दें कि बाहुबली 3 में बॉलीवुड के दबंग खान सलमान खान हो सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक इस बारे में सलमान के साथ बात चल रही है और सब कुछ सही रहा तो वो फिल्म में नजर आ सकते हैं। इतना ही नहीं बल्कि पता चला है कि बाहुबली 3 के लिए हॉलीवुड के टर्मिनेटर अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर से भी बात चल रही है। सोचिए, वाकई जब टॉलीवुड, बॉलीवुड और हॉलीवुड कैरेक्टर्स जब एक ही फिल्म में साथ नजर आएंगे तो ये अनुभव कितना अद्भुत होगा। बाहुबली की कामयाबी को देखते हुए लगता है कि वाकई में राजा मौली ये चमत्कार कर सकते हैं जो कि अब तक नहीं हुआ। राजा मौली की फिल्म बाहुबली द कंक्लूजन को रिलीज हुए एक साल भी नहीं हुए और इस फिल्म पर ढेरों अवार्ड्स की बरसात हो गई। फिल्म को 3 नेशनल अवार्ड से नवाजा गया है, बेस्ट एक्शन, स्पेशल इफेक्ट्स और पॉपुलर फिल्म के लिए। बाहुबली द कंक्लूजन बॉक्स ऑफिस पर 1200 करोड़ रुपए का आंकड़ा छूने वाली पहली इंडियन फिल्म है। अब इस फिल्म ने चीन, जापान और पाकिस्तान में भी अपना परचम लहराया है। अब देश ही नहीं पूरी दुनिया जान गई है कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। आइए जानते हैं इस फिल्म से जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग बातें। तो साल 2015 में बाहुबली का पहला पार्ट आया था। इस फिल्म में भल्लाल देव की सांड के साथ लड़ाई दिखाई गई थी। इसके लिए मेकर्स ने स्पेशल इफेक्ट्स का सहारा लिया था। जैसा सीन फिल्म में दिखा, सच्चाई उससे बिल्कुल अलग है। इसकी हकीकत जानकर शायद आप अपनी हंसी ना रोक पाए। ये सीन फिल्म के बेहतरीन सीन में से एक माना जाता है। इस सीन को शूट करते समय VFX यानी कि विजुअल इफेक्ट्स का इस्तेमाल किया गया। इसमें जिस सांड से भल्लाल देव लड़ते नजर आ रहे थे वो असल में कुछ ऐसा था। जब सांड भागता हुआ भल्लाल देव
की तरफ आता है तो दर्शकों की सांसें थम जाती हैं। वो असल में ऐसा दिखता था। भल्लाल ने पहले सिर्फ एक्शन किए, इसके बाद VFX की सहायता से सीन में सांड को जोड़ दिया गया। एक सीन में भल्लाल देव सांड के ऊपर कूद कर उसे मारते हुए नजर आए थे। वो सीन कुछ इस तरह शूट हुआ था। लड़ाई में सिर्फ सांड के सीन का इस्तेमाल किया गया था। इस दौरान सांड के साथ कटप्पा भी नजर आए थे। और आपको बता दें कि कटप्पा के सीन की हकीकत भी ऐसी ही है। इसे भी VFX के जरिए तैयार किया गया था। बाहुबली द कंक्लूजन के VFX सुपरवाइजर थे RC कमाल कन्नन और बाहुबली द बिगनिंग के VFX सुपरवाइजर नेशनल अवार्ड विनर वी श्रीनिवास मोहन थे। फरवरी 2017 में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए कमाल कन्नन ने बताया था कि फिल्म के VFX सीन को अंजाम देने के लिए टेक्नीशियंस की कई टीमें जुटी हुई थी। उनके मुताबिक दुनिया भर के 33 से ज्यादा स्टूडियोज ने मिलकर VFX पर काम किया। अक्टूबर 2015 में उनकी टीम ने VFX पर काम करना शुरू किया था और रिलीज से सिर्फ 10 दिन पहले पोस्ट प्रोडक्शन का काम पूरा हो पाया था। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अब बारी है कमेंट सेक्शन की। तो सबसे पहला कमेंट है क्रेजी बॉय हाशमी का। ये बेंजो फिल्म का बजट और फिल्म ने कितना कलेक्शन किया था ये जानना चाहते हैं। तो दोस्तों आपको बता दूं कि फिल्म ने कलेक्शन किया था 15 करोड़ का और फिल्म का बजट था 30 करोड़। अगला कमेंट है प्रवेश सुबेदी। ये जानना चाहते हैं कि क्या चेन्नई एक्सप्रेस 2 आएगी या नहीं। दोस्तों अभी इसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन फिल्म मेकर्स ने शेयर नहीं की है कि ये फिल्म फ्लोर पे आएगी या नहीं। नेपाल, ये जानना चाहते हैं कि सनी देओल की कौन कौन सी मूवीज आ रही है। तो दोस्तों आपको बता दें कि सनी देओल की फिल्म आ रही है भैया जी सुपरस्टार और यमला पगला दीवाना फिर से। बेस्ट हॉलीवुड, ये जानना चाहते हैं कि प्रीति जिंटा का हस्बैंड इंडियन है या नॉन इंडियन और उसका नाम क्या है। दोस्त आपको बता दें कि वो इंडियन नहीं है और उनका नाम है जेने गुड इनफ। अगला कमेंट है नसी खान का और सेम क्वेश्चन है इंडियन वीडियोस का, क्या करण अर्जुन 2 आएगी या नहीं। दोस्त अभी इसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन फिल्म मेकर्स ने शेयर नहीं की है कि ये फिल्म कब आएगी। कृष्णा कांत, ये बागी 2 का कलेक्शन जानना चाहते हैं इंडियन और वर्ल्ड वाइड। तो दोस्त आपको बता दें कि फिल्म ने इंडिया में कलेक्शन किया है 156 करोड़ का और वर्ल्ड वाइड 232 करोड़ का। साथ सलमान, ये जानना चाहते हैं कि तेरे नाम 2 आएगी या नहीं। तो दोस्तों आपको बता दूं कि इस फिल्म से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन फिल्म मेकर्स ने शेयर नहीं की है। आगे हमारे ऐसे बहुत से व्यूअर्स हैं जिनको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं और वो लोग हमें कमेंट करके डेली पॉजिटिव रिस्पॉन्स देते हैं। उन लोगों का नाम है जोसिम SK, नसी खान, रोनी SK, खान वर्ल्ड और भी बहुत से लोग हैं। तो दोस्तों मैं आप सभी लोगों को थैंक यू कहना चाहूंगा कि आप लोग हमारी वीडियोस पर पॉजिटिव रिस्पॉन्स देते हैं। देखते रहें बॉलीग्राड स्टूडियोज। आपको ये वीडियो कैसी लगी अपनी राय दे और फिल्म से रिलेटेड सवाल पूछने के लिए नीचे कमेंट करें। आने वाले इंटरेस्टिंग फिल्मों के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। क्या बाहुबली 3 बनाई जा सकती है? बाहुबली 3 के लिए बॉलीवुड के किन किन सुपरस्टार को कास्ट किया जा सकता है? बाहुबली ने IPL को कैसे मात दी थी? मैं आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्राड के फिल्मी गलियारे में। कुछ भी कहिए लेकिन बॉलीवुड तो बॉलीवुड होता है और आपके बॉलीवुड कीड़े ने कभी ना कभी तो बाहुबली की बॉलीवुड स्टार कास्ट के बारे में सोचा होगा। वैसे फिल्मी गलियारों में आए दिन इस पर डिस्कशन होते ही रहते हैं और बाहुबली का सबसे दिलचस्प डिस्कशन होता है बाहुबली की बॉलीवुड स्टार कास्ट। अब सबसे पहला नाम होता है प्रभास और सलमान खान। हालांकि पहले की बात और थी लेकिन अब सलमान बाहुबली के किरदार में कैसे लगेंगे पता नहीं। हालांकि लोगों का मानना है कि सलमान खान से बेहतर ऑप्शंस बॉलीवुड के पास बाहुबली रिमेक के लिए है। वैसे तो बाहुबली का बॉलीवुड रिमेक बनना ना के बराबर, लेकिन सोचिए कि वाकई अगर ऐसी कोई फिल्म बने तो कितनी शानदार होगी। प्रभास के किरदार के लिए तो हमारे पास कई ऑप्शंस हैं। वहीं जब बाहुबली रिलीज हुई तभी से लोगों ने इसकी बॉलीवुड स्टार कास्ट सोच ली थी। फिल्म में कैटरीना कैफ, तब्बू से लेकर अभिषेक बच्चन तक को जगह मिली थी। लेकिन अब वक्त बदल चुका है और बॉलीवुड भी। हालांकि सुपरस्टार आज भी सलमान खान है और उन्हें लीड रोल से कोई नहीं हटा सकता,
बाहुबली के साथ मिलकर वो 800 करोड़ का बॉक्स ऑफिस प्लान भी बना चुके हैं। वैसे तो यशस राजामौली 1000 करोड़ की महाभारत की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन वाकई वो चाहे तो इस स्टार कास्ट के साथ बाहुबली का रिमेक बना सकते हैं। अगर बाहुबली किरदार की बात करें तो ऋतिक रोशन, ऋतिक पौराणिक और पीरियड किरदार बड़े शानदार ढंग से निभाते हैं। एक तरफ जहां उन्होंने जोधा अकबर में कमाल किया, वहीं मोहन जोदड़ो कैसी भी फिल्म रही हो, लेकिन ऋतिक रोशन फिल्म में ठीक ठाक लग गए थे। वैसे भी उनकी फैन फॉलोइंग शानदार है, ऐसे में बाहुबली के किरदार में ऋतिक रोशन जान डाल देते। अगर आमिर खान को इस रोल के रूप में देखें तो उन्हें हर तरह के किरदार में देखा जा चुका है, लेकिन ऐसे कभी नहीं देखा गया। तो आमिर खान अगर बाहुबली का किरदार निभाते हैं तो कैसे लगते हैं, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। वैसे तो सलमान खान सुल्तान है, लेकिन जब से बाहुबली रिलीज हुई है तब से सबका यही मानना है कि सलमान को चाहे बॉलीवुड का बाहुबली कह लो या फिर प्रभास को साउथ का सुल्तान, दोनों एक ही बात है। वैसे भी वीर जैसी फिल्म में सलमान खान अपना पीरियड ड्रामा वाला जलवा दिखा चुके हैं। तमन्ना भाटिया वाला किरदार, श्रद्धा कपूर तमन्ना भाटिया की अवंतिका किरदार बाखूबी निभा लेंगी। एक तरफ बागी में उनके स्टंट्स तो लोगों ने देख ही लिए हैं, वहीं दूसरी तरफ श्रद्धा कामुक अंदाज में बेहद खूबसूरत लगेंगी। और बाहुबली के साथ उनके भीगे भीगे गाने, अनुष्का शेट्टी द्वारा निभाए गए रोल की बात करें तो लोगों का मानना है कि सोनाक्षी सिन्हा देवसेना के किरदार के लिए परफेक्ट होगी, क्योंकि पहला तो वो ऋतिक रोशन के साथ रोमांस करती हुई शूट कर जाएंगी और फिर उम्र बढ़ने के किरदार में वो भी बाखूबी जमेगी। लेकिन कटप्पा का रोल कौन निभाएगा? अगर ध्यान से देखा जाए तो कटप्पा के रोल के लिए नसरुद्दीन शाह फिल्म का सबसे अहम किरदार, जिस पर पूरे देश की नजरें हैं। आखिर उसने बाहुबली को क्यों मारा, ये नसरुद्दीन शाह बड़े अच्छे से समझा लेंगे। के बाद आता है एक महत्वपूर्ण करेक्टर, शिवगामी। शिवगामी के करेक्टर के लिए विद्या बालन से बेहतर कोई और चॉइस नहीं हो सकती है। वैसे अगर वो ये किरदार नहीं निभाती है तो ऑप्शंस में हमारे पास हैं। अगर बिज्जल देव के करेक्टर की बात करें तो इस रोल को अनुपम खेर बहुत संजीदगी के साथ निभा सकते हैं। उनमें नेगेटिव, पॉजिटिव और ग्रे हर तरह का शेड दिखाई दे जाएगा। कालके असुरों के राजा कालके की भूमिका में नवाजुद्दीन सिद्दीकी बेहतरीन लगेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको भी बाहुबली की कास्ट के कुछ आइडिया हो तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। राजामौली स्टारर बाहुबली को आज रिलीज हुए पूरे 2 साल हो गए और इन 2 सालों में भी फिल्म की यादें आज तक ताजा हैं। चाहे वो प्रभास का किरदार अमरेंद्र बाहुबली हो या फिर राणा दगुपति का किरदार भल्लाल देव, फिल्म के 2 साल पूरे होने की खुशी में फिल्म के ट्विटर हैंडल से एक शानदार ट्वीट किया गया था, बाहुबली को पूरा हुए 2 साल हो चुके हैं। फिल्म ने ना केवल शानदार रिकॉर्ड बनाए थे बल्कि भारतीय सिनेमा के स्टैंडर्ड से शानदार कीर्तिमान और उदाहरण भी लिखे। सभी को धन्यवाद इस फिल्म को इतना प्यार देने के लिए। वैसे हिंदी सिनेमा में भी बाहुबली ने काफी मिथक तोड़ी थी। फिल्मों के लिए आईपीएल सीजन ठंडा माना जाता है और इस दौरान लोग मैच देखना पसंद करते हैं, फिल्में नहीं। लेकिन बाहुबली ने साबित किया कि लोग फिल्में भी देखते हैं और ताबड़तोड़ देखते हैं, बशर्ते फिल्में देखने लायक हो तो। बाहुबली को फेस्टिवल के बिना रिलीज किया गया था। अक्सर देखा गया है सलमान खान की ईद और शाहरुख खान की दिवाली, आमिर खान का क्रिसमस और जो बचे वो अक्षय कुमार ऋतिक रोशन का। इन सब चक्कर में पड़कर फिल्में नहीं कमाती हैं, ये बाहुबली ने दिखा दिया। एक मिथ, स्टारडम से कमाती हैं फिल्में। फिल्म जब तक कोई बड़ा स्टार नहीं होगा तब तक फिल्म नहीं कमाएगी, ऐसा नहीं होता है। बाहुबली में तमन्ना छोड़कर किसी को लोग नहीं जानते थे, बल्कि राजामौली भी चाहते थे कि फिल्म में पहचाने हुए चेहरे हो, जैसे ऋतिक रोशन, जॉन इब्राहिम, पर ऐसा नहीं हो पाया और शायद अच्छा ही हुआ। ये बात करते हैं प्रमोशन के बिना भी होता है गुजारा। शाहरुख खान रेल से रईस का प्रमोशन कर रहे थे तो अभिषेक बच्चन एक ही दिन में 10 शहर जाकर अपनी फिल्में प्रमोट किए। इतने ज्यादा प्रमोशन से कुछ नहीं होता, बिना प्रमोशन भी फिल्में चल जाती हैं।
अगर ढंग से प्लान किया जाए तो। कंटेंट होता है बॉक्स ऑफिस का बाप। केवल एक स्टार को लेकर गाने डालकर एक आइटम नंबर और थोड़ा सा रोमांस फिल्म के लिए काफी नहीं होता। फिल्म को कंटेंट चाहिए तब जाकर वो बॉक्स ऑफिस पर टिकती है। बिना आइटम सॉन्ग के भी फिल्म हिट होती है, ये तो बॉलीवुड जरूर सीख ले। स्क्रीन से नहीं दर्शकों से होती है कमाई। हर स्टार अपनी रिलीज की स्क्रीन बढ़ाता जाता है। जैसे अगर बजरंगी 4000 स्क्रीन पर रिलीज हुई तो सुल्तान 5000, लेकिन इससे कुछ नहीं होता। उम्र से नहीं बनता हीरो, हीरो और रोमांस उम्र देखकर किया जाना चाहिए, वरना कितना भी सुपरस्टार हो दर्शक उसे नकार ही देंगे। फटाफट नहीं बन जाती फिल्में। बाहुबली 5 साल में बनी। यहाँ प्रेम रतन धनपायो का शेड्यूल जरा सा खींचा था कि आफत हो गई थी। हमारे यहाँ 40 दिन में फिल्म निपटा लेने की परंपरा है, क्योंकि कई स्टार्स की फीस भी हर दिन के हिसाब से होती है। ऐसे में अच्छी फिल्में कहाँ से बनेंगी? जो टिकता है वो बिकता है, जो बॉक्स ऑफिस पर 10 दिन तक टिका रहा वही बिका। यहाँ पर उल्टा होता है। शुरू के 3 दिन फिल्म ने जितना कमा लिया वही फिल्म की जमा पूंजी होती है। क्लास वाली फिल्में, कुछ फिल्में एक क्लास के लिए होती है, ऐसा कुछ नहीं होता। अच्छी फिल्में हर दर्शक वक्त देखना चाहता है। 3 दिन में 100 करोड़, अगर फिल्म ने 3 दिन में 100 करोड़ कमा लिया तो वो ब्लॉकबस्टर है। यहाँ बाहुबली ने 4 दिन तक लगातार 100 करोड़ कमाया। डायरेक्टर वो ही जो हीरो मन भाए। हमारे यहाँ एक्टर अपना डायरेक्टर ढूंढ लेता है, जैसे कि सलमान ने टाइगर सीक्वल के लिए अपने सुल्तान डायरेक्टर को फाइनल कर लिया, जबकि एक था टाइगर कबीर खान की कहानी है, जो दिमाग से काफी सक्षम है और जो मानते हैं कि सीक्वल ऐसे हवा में नहीं बन जाते। एक फिल्म का हवा, किसी फिल्म का इतना हवा नहीं बनाना चाहिए कि उसकी हवा निकल जाए। जैसे कि हीरो रिमेक को सलमान ने प्रमोट कर के फिल्म की जान निकाल दी। सीक्वल मतलब सीक्वल भैया, सीधी सी बात है। सीक्वल मतलब सीक्वल होता है और वो कायदे से प्लान बनाने के बाद ही बनाया जाता है। बाहुबली 2 ने बॉलीवुड के उन सभी ठोस नियम की ऐसी की तैसी कर दी थी। वो नियम जो थे तो फर्जी, पर जिनका पालन बॉलीवुड हाथ पैर धोकर करता था। फिल्म चल जाए या ना चले, इन नियमों को बदलने की कोशिश किसी ने नहीं की, लेकिन बाहुबली 2 ने एक एक दिन एक एक नियम की धज्जियां उड़ा दी और बॉलीवुड को सोचने की जरूरत पड़ गई कि क्या वाकई ये नियम किसी काम के थे। धीरे धीरे बॉलीवुड में अब ये सारे नियम बदले जा रहे हैं। बाहुबली को बॉलीवुड कल्ट फिल्मों में क्यों शामिल किया गया है? हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर रमेंद्र चक्रवर्ती आप सभी का स्वागत करता हूं बॉलीग्राड के गलियारे। आज मैं बात करने जा रहा हूं SS राजामौली की फिल्म बाहुबली के बारे में। जब भी बाहुबली का जिक्र होता है, भारतीय सिनेमा का रास्ता हॉलीवुड की ओर साफ दिखाई देता है, क्योंकि SS राजामौली एक ऐसे निर्माता और निर्देशक थे जिन्होंने हॉलीवुड की ओर एक रास्ता बनाया अपने इस फिल्म के माध्यम से। क्योंकि इस फिल्म में बहुत सारी ऐसी बातें थी जो लोगों को प्रेरित करती हैं हॉलीवुड लेवल की फिल्में बनाने के लिए। चाहे इस फिल्म के पात्र को लिया जाए, चाहे इस फिल्म की स्टोरी को लिया जाए, या इस फिल्म के बीएफएक्स को लिया जाए, ये सारी बातें जो थी वो सब हॉलीवुड फिल्मों में आप आसानी से देख सकते हैं। अगर हम बाहुबली की स्टोरी की बात करते हैं, तो जो बाहुबली की स्टोरी थी वो हमारे महाकाव्य रामायण और महाभारत से प्रेरित थी, और बाहुबली के जो पात्र भी थे वो सारे पात्र रामायण और महाभारत से ही लिए गए थे। अगर सबसे पहले हम बात करते हैं कि बाहुबली का जो लीड हीरो यानी कि अमरेद बाहुबली को रामायण के राम से क्यों प्रेरित किया गया था? बेसिकली अगर आप चारों तरफ देखते हैं तो हमारे देश का जो सामाजिक परिदृश्य है वो बदल रहा है। सत्ताएं टूट रही, सामाजिक विसंगतियां आ गई, तो क्योंकि सिनेमा जो होता है वो समाज का आईना होता है, और सिनेमा के माध्यम से
बहुत सारे निर्देशक ये समझाने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से समाज को एक दिशा दी जा सके। रामायण में का भी पाठ जो है, राम के माध्यम से ये दिखाने की कोशिश की गई थी कि हमारा भारतीय समाज कैसा होना चाहिए। एक आदर्शवादी, रामायण में ये दिखाने की कोशिश की गई थी कि एक बेटा अपने बाप का कहना कितना मानता है, और बाहुबली में ये दिखाने की कोशिश की गई है कि एक बेटा अपने मां का कितना कहना मानता है। दोनों चीजें एक ही है, बस समय बदला है, क्योंकि उस समय की जो सत्ता थी वो पुरुषों के हाथ में थी, और आज की जो सत्ता है, क्योंकि हर कोई चाहता है, नारी आंदोलन को एक प्रकार से सम्मान देना चाहता है, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करता है, तो बाहुबली फिल्म में एसएस राजामौली ने एक वुमेन एम्पावरमेंट की बात की थी, और दिखाने का भी कोशिश किया गया है कि एक वुमेन किस प्रकार से पुरुष को कहां से कहां पहुंचा देती है। हां, क्योंकि राज सत्ता की कहानी थी, इसलिए थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं पर उसे निरंकुश दिखाया गया है। अब अगर इसमें दूसरे पात्र की बात किया जाए कि महाभारत का जो शकुनी था और इस बाहुबली का जो खलनायक था, दोनों में समानताएं थी, उस पात्र से प्रेरित था, और महाभारत का जो भीष्म था और ये बाहुबली का जो कटप्पा था, दोनों में समानताएं। उधर महाभारत का भीष्म पूरा जीवन सिंहासन की रक्षा करते हुए, बिना शादी किए हुए अपना संपूर्ण जीवन न्यौछावर कर देता है। इधर बाहुबली का कटप्पा भी बिना शादी किए हुए अपना सब कुछ राजमाता के लिए, बाहुबली के लिए सब कुछ न्यौछावर कर देता है। बस आज की तारीख में बाहुबली को प्रेजेंट किया गया कि जिससे दर्शक वर्ग अपने आप को कनेक्ट कर सके। और अगर बात की जाए कि बाहुबली की पटकथा इतनी अच्छी क्यों, क्योंकि जब तक किसी फिल्म की पटकथा अच्छी नहीं होगी, तब तक आप किसी अच्छे सिनेमा का निर्माण कर ही नहीं सकते। खास करके एसएस राजामौली ने इस फिल्म की पटकथा लिखने में बहुत समय लिया था। आखिरकार बाहुबली जो फिल्म है वो आज के समय की जो फिल्में हैं उनसे अलग क्यों मानी जाती है? मेन कारण था कि इस फिल्म का जो स्क्रीन प्ले है, एसएस राजामौली और उनके पिता दोनों ने मिलकर के लिखी थी। क्योंकि जब किसी फिल्म का स्क्रीन प्ले बहुत अच्छा होता है तो निर्देशक के लिए बहुत अच्छा हो जाता है उस फिल्म की कहानी को शूट करना। और सबसे बड़ी बात क्या थी इस फिल्म का कॉन्सेप्ट, क्योंकि भारतीय जो समाज है वो आज भी अपने उस परिवार में ही जिंदा रहना चाहता है, बेसिकली अपनी एक कम्युनिटी में जीता है। इस फिल्म में भी एक कम्युनिटी के जरिए ही उस चीज को दिखाने की कोशिश की गई। बेसिकली जो बाहुबली है वो बाहुबली को इसमें सिर्फ एक राजा के रूप में नहीं दिखाया गया है, इस प्रकार से दिखाया गया है कि जो बाहुबली है वो एक पूजनीय हो। यही कारण था कि जब फिल्म का निर्माण हो रहा था तो जैन भिक्षु जो थे उस बाहुबली शब्द से उनको एतराज था कि बाहुबली शब्द क्यों यूज किया गया है। तब एसएस राजामौली ने अपने एक साक्षात्कार में इसकी सफाई दी थी कि हम बाहुबली शब्द जो यूज कर रहे हैं वो सिर्फ एक शब्द नहीं होगा, बल्कि उसका अपना एक सम्मान होगा और वो पूजनीय होगा। तब कहीं जाकर के जैन भिक्षुओं ने इसकी इजाजत दी थी। और जो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर भारतीय समाज के इतिहास के पन्नों को आप उठा करके देखते हैं तो हमेशा जो राज सत्ता है वो परिवार के क्लेश से उपजी हुई है, कि किस प्रकार से भाई भाई का वध करता है, और यही चीज आपको बाहुबली में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। जब आप बाहुबली सिनेमा देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये सारी जो घटनाएं है ना वो आपके आस पास घटित होती है। किस प्रकार से एक भाई दूसरे भाई से द्वेष करता है, किस प्रकार से एक माँ उसके दोनों बेटे हैं लेकिन एक को ज्यादा प्यार करती है एक को कम प्यार करती है, लेकिन माँ के लिए तो दोनों बेटे बराबर है। लेकिन बेसिकली ये सारी चीजें जो है हमारे रीत रिवाज और परंपरा में विद्यमान है, उन्हीं को देखी देखा हर आदमी उसी प्रकार से अपने आप को ढाल लेता है।
और सबसे अच्छी बात यह थी कि इसमें जो प्रेम प्रसंग दिखाया गया है, एक ऐसी नारी को दिखाया गया है कि वो नारी कहती है कि हमारी खुद की अपनी एक आइडेंटिटी है, हम किसी ऐसे इंसान से शादी नहीं करेंगे जिसकी मां चाहती हो उसके लिए कि मतलब उठा करके लाओ और हमारे बेटे के साथ शादी करो। उसने उस चीज को नकार दिया। और दूसरा, इस फिल्म का जो बहुत मेन पहलू है कि उन प्रसंगों को, जिन प्रसंगों की बात हमारे भगवान श्री कृष्ण जी करते हैं कि किस प्रकार से प्रेम किया जाए, उस प्रेम की प्रकाष्ठा को किस प्रकार से प्रदर्शित किया जाए, इस फिल्म में भी दिखाया गया। अक्सर जो कि हमारे भारतीय सिनेमा में दिखाया जाता है कि एक गरीब इंसान एक अमीर कन्या से कैसे प्यार करता है, उसी चीज को इसमें भी कॉपी पेस्ट किया गया। इस फिल्म का जो नायक है जब रानी से प्यार करता है तो उसे पता नहीं होता है उस रानी को कि ये जो नायक है, ये जो अमरेंद्र है, वो किसी देश का राजकुमार नहीं, ये बाद में खुलता है राज। और जो कि आज की भी कहानियों में सारी चीजें विद्यमान है, ये सिर्फ इसलिए डाला गया है कि फिल्म में थोड़ी सी रोचकता बनी रहे। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस फिल्म में जिन जिन हथियारों को इस्तेमाल किया गया है, उन सारे हथियारों का निर्माण एसएस राजामौली ने अपने संरक्षण में स्वयं करवाया था, क्योंकि इससे पहले ऐसे हथियारों का इस्तेमाल किसी भी फिल्म में नहीं किया गया था। तो कह सकते हैं कि सिनेमा का जो क्राफ्ट होता है वो आपको इस फिल्म में देखने को मिलता है कि किसी भी फिल्म का क्राफ्ट कैसे होना चाहिए, क्योंकि एक निर्देशक की जो सोच होती है ना वो सिनेमा में दिखाई देती है। जैसे कि अगर आप बात करते हैं कि इससे पहले बाहुबली से पहले कौन सी भव्य फिल्म थी, तो बाहुबली से पहले हमारे हिंदी सिनेमा में शोले को सबसे बड़ी भव्य फिल्म माना जाता है, जिसकी स्क्रिप्ट लिखी थी सलीम जावेद, क्योंकि उस फिल्म को भी एक कल्ट फिल्म ही कहा जाता है, क्योंकि उसका चाहे वो खलनायक हो। अगर हम शोले से और बाहुबली को कंपेरिजन करें तो दोनों में कहीं ना कहीं समानता स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, क्योंकि उस फिल्म की जो पृष्ठभूमि थी एक डकैत पर थी, इस फिल्म की जो पृष्ठभूमि है वो भी एक डकैत है जो राज को हड़पना चाहता है। बस अंतर थोड़ा सा ये है कि जो शोले की स्टोरी थी वो किसी महाकथा से प्रेरित नहीं थी, लेकिन बाहुबली की जो स्टोरी है वो एक महाकथा से प्रेरित थी। जिस प्रकार से शोले में एक डकैत को बहुत बड़ा पावरफुल दिखाया गया है, उसी प्रकार से बाहुबली में भी इस फिल्म के खलनायक को बहुत पावरफुल दिखाया गया है। चलिए हम अब बात करते हैं कि इस फिल्म का संगीत, इस फिल्म का जो संगीत था वो लाजवाब है। आज भी जब भी बाहुबली का संगीत कहीं किसी रेडियो या किसी मोबाइल पर बजता है तो मन करता है बस यहीं रुक जाए और सुने, फिर आगे अपने कदमों को बढ़ाए, क्योंकि बाहुबली का संगीत जो है ना इतना मधुर है कि कानों को बहुत प्रिय लगता है। कोई भी संगीत हो, चाहे उसका बैकग्राउंड संगीत हो या मेन संगीत हो, हर संगीत उसका अच्छा है। क्योंकि अगर इसमें जो बार बार जो गाना बजता है कि जियो रे जियो बाहुबली, वो अपने आप में इतना पावरफुल है कि हर आदमी के अंदर एक ऊर्जा पैदा कर देता है। ज्यादातर मैंने देखा है कि लोगों ने जब भी इस गाने को बजाया है और जिन जिन के कानों पर ये गाना सुनाई दिया है, वो उनके अंदर की जो अंतरात्मा है वो अपने आप में प्रफुल्लित हो जाती है। और खास करके इसका संगीत पक्ष इसलिए अच्छा है कि जब आप इसके गानों को ध्यान से सुनेंगे तो एक एक इंस्ट्रूमेंट्स की आवाज आपको साफ सुनाई दे। इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक कैसे प्रयोग जरूर किया गया है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक जो इंस्ट्रूमेंट म्यूजिक है उस पर कहीं से भी हावी होता दिखाई नहीं देता। जो कि अगर आज के जमाने में अगर आप संगीत पर ध्यान दें कि हमारे भारतीय सिनेमा का संगीत कैसा है, तो उसमें बस खाली बस आवाजें सुनाई देती हैं। खास करके उसका मेन कारण है कि ऐसा संगीत क्यों हो गया है। ऐसा संगीत इसलिए हो गया है कि हमारा जो यूथ है वो सब मैगी बॉय है, उसको सब कुछ रेडीमेड चाहिए, मेहनत नहीं करना चाहता। लेकिन
SS राजामौली ने इस फिल्म के माध्यम से यह दिखाने की कोशिश की गई है कि अगर आपके जीवन में सब कुछ रेडीमेड हो जाएगा तो अच्छा नहीं होगा, बल्कि आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए अगर सिनेमा के पक्ष को देखें कि कौन सा सिनेमा का पक्ष सबसे ज्यादा मजबूत होता है, तो उसकी बात होती है स्टोरी की। बाहुबली की स्टोरी बहुत ही अच्छी थी, चाहे आप पहला पार्ट देखिए चाहे आप दूसरा पार्ट देखिए। खास करके जब बाहुबली का पहला पार्ट खत्म होता है तो उसमें एक प्रश्न आता है कि कटप्पा ने बाहुबली को आखिर क्यों मारा। ये लोगों को एक साल तक परेशान करता रहा कि जो शख्स अपनी बाहों में जिस बच्चे को पालता हो और खिलाया हो, सिखाया हो, पढ़ाया हो, हथियार चलाना सिखाया हो, और फिर उसने अपने ही हाथों से उसका कत्ल कर दिया, थी बहुत हैरानी वाली बात। लेकिन जैसे ही दूसरा पार्ट रिलीज होता है, सारे सवालों के जवाब अपने आप लोगों को मिलने लगते हैं कि आदर्श, क्योंकि हमारा भारतीय समाज हमेशा आदर्श की बात करता है, हमेशा आदर्शवादी समाज ढूंढता है। लेकिन दोस्तों, जब भी किसी आइडियल की बात की जाती है, वहां पर निरंकुशता अपने आप आ जाती है, क्योंकि कटप्पा ने बाहुबली को इसलिए मारा था क्योंकि राजमाता को लगने लगा था कि कहीं ना कहीं बाहुबली की वजह से समाज में कुछ विसंगतियां आ जाएंगी, जिससे कि राजसत्ता पर कुछ ना कुछ दुष्प्रभाव पड़ेगा। और उसका मेन कारण था षड्यंत्र, जैसा कि समाज में होता है। षड्यंत्र का शिकार तो हर कोई हो जाता है, राम भी हो गए थे षड्यंत्र का शिकार। राम ने भी धोबी के कहने पर सीता का परित्याग कर दिया था, और इसमें भी सेम कहानी को और सेम सीन को रिपीट किया गया। बाहुबली ने भी घर छोड़ दिया था, परित्याग कर दिया था माता का, और उसी प्रकार से जैसे कि आप महाभारत में देखते हैं कि द्रौपदी का चीरहरण होता है, उस सीन को भी यहां पर कॉपी पेस्ट कर दिया गया। यहां पर मंदिर में छेड़ी जाती है महारानी साहिबा, और उसका बदला लेने के लिए अमरेंद्र साहब को गुस्सा आ जाता है और जाके उसका धड़ काट देते हैं। उसी प्रकार से महाभारत में भी भीम पहुंचते हैं और उसके सीने को चीर करके और उसका खून पी जाते हैं। चीजें सब कुछ वही थी, बस प्रस्तुति करने का तरीका अलग था कि आज का समाज और आज का यूथ उससे कनेक्ट कैसा। मैं तो बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं SS राजामौली का कि उन्होंने ऐसी फिल्म का निर्माण किया जो कि हमारे जितने भी फिल्म मेकर हैं उनके लिए, हॉलीवुड के लिए एक रास्ता बहुत अच्छा बनाया है। अब बात हम ये करते हैं कि आज के जमाने में बाहुबली सिनेमा की क्या प्रासंगिकता है, क्या ऐसा सिनेमा समय समय पर बनते रहना चाहिए या फिर इतने महंगे बजट की फिल्में बनाने की कोई जरूरत नहीं। देखिए, अगर आप मुझसे पूछेंगे कि क्या बाहुबली जैसी फिल्मों का निर्माण होना चाहिए, तो मेरा जवाब ये होगा यस। मैं तो ये कहूंगा कि बाहुबली जैसी फिल्मों का निर्माण समय समय पर क्या, बहुत सारे जितने भी यहां पर हैं, चाहे वो बॉलीवुड हो, चाहे टॉलीवुड हो, या जितने भी क्षेत्रीय सिनेमा है, हर किसी को ऐसी फिल्मों का निर्माण करना चाहिए। क्योंकि ऐसी फिल्मों का जब निर्माण होगा तो जब भी भारतीय सिनेमा के इतिहास का जिक्र होगा, वो स्वर्णिम अक्षरों में जिक्र होगा। इतिहास अपने आप को स्वयं दोहराएगा और याद भी रखा जाएगा। लेकिन आज जो भारतीय समाज जिन चीजों से जूझ रहा है, वो सबसे बड़ा है परिवार। क्योंकि एक बेटा अपनी मां की के लिए कुछ नहीं कर पा रहा, उसका मेन कारण है टेक्नोलॉजी, और उस टेक्नोलॉजी के कारण परिवारवाद टूट रहा है। तो ऐसी फिल्मों का जब भी निर्माण होता है, उसमें यह दिखाया जाता है कि परिवार जो है कितना अहम होता है। जब भी परिवार टूटता है, सिर्फ एक विनाश का कारण होता है और हाथों में कुछ मिलता नहीं। तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ यह नहीं है कि आप
से परिवार को लेकर ही फिल्में बनाइए, प्रेम को लेकर भी फिल्में बनाइए, हर जॉनर की फिल्में बनाइए। ऐसी फिल्में बनाने की कोशिश बहुत सारे लोग कर रहे हैं, जैसे कि अगर हम अभी रिसेंट में बात करें तो अजय देवगन साहब तानाजी बना रहे हैं, सलमान खान भारत बना रहे हैं, ये सारी फिल्में हैं जो कि बॉक्स ऑफिस में बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगी, क्योंकि जैसी जैसी खबरें इन सब फिल्मों के बारे में आ रही हैं हम सब के बीच एक उत्सुकता बढ़ती चली जा रही है। लेकिन बात यहां भारत और तानाजी की नहीं, बात हम कर रहे हैं बाहुबली की, कि आखिर बाहुबली जो सिनेमा है उसका वीएफएक्स इतना महान क्यों था, उसके पीछे लोगों की मेहनत थी, क्योंकि यह पहली फिल्म थी जिसके जरिए क्रू मेंबर इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या किसी फिल्म का निर्माण सिर्फ उस फिल्म के हीरो हीरोइन या फिर स्क्रिप्ट राइटर म्यूजिशियन इन सब के जरिए किया जा सकता है? हां, इन सब का योगदान है बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन अगर आप इस फिल्म को देखेंगे तो इसके जो क्रू मेंबर्स थे बहुत भारी संख्या में लोग थे। एक प्रकार से यह कहा जा सकता है कि एस एस राजामौली ने इन फिल्मों के माध्यम से एक रोजगार देने की व्यवस्था की, बहुत सारे लोगों का घर चला था, बहुत सारे कलाकारों ने काम किया था, और एक नई परिभाषा और निकल के आई। सिनेमा बनाने के लिए भाई वर्कशॉप करना जरूरी पड़ता है, अगर आप वर्कशॉप नहीं करोगे ना तो अच्छी सिनेमा नहीं बनेगी। ये यशस राजामौली ने ही लोगों को बताया है, और यही कारण है कि हमारे सलमान खान साहब डर गए हैं, अपनी फिल्म भारत के लिए वर्कशॉप करने लगे, और इनको देखो आमिर साहब सदमे में आ गए हैं, महाभारत पर वेब सीरीज बनाना चाहते हैं। अब उन्होंने भी यशस राजामौली से ही कह सकते हो कि सलाह ली है, जाकर के चुपचाप बैठ करके एक कमरे में स्क्रिप्ट पर काम करना शुरू कर दिया। लेकिन मेरा मानना तो यह है कि बाहुबली फिल्म का क्या थर्ड पार्ट बनना चाहिए या नहीं? बाहुबली फिल्म का थर्ड पार्ट तो बनना ही चाहिए। वैसे जो खबरें आ रही हैं इसके प्रीक्वल की खबरें आ रही हैं, प्रीक्वल का निर्माण किया जा रहा है, वेब सीरीज के माध्यम से दिखाने की कोशिश की जाएगी, ये अच्छी बात है। लेकिन जो मैं देखना चाहता हूं, जैसे कि मैं देखना चाहता हूं बाहुबली का तीसरा पार्ट, कदम नहीं रुकने चाहिए। कहीं ना कहीं इसे राजामौली थोड़ा सा डर गए, क्योंकि हमारा जो भारतीय सिनेमा है ना वो एक संकुचित विचारधारा से है, वो सारी चीजों को एडाप्ट नहीं कर पाता है, वो नकलची हो गया है। तो मैं एस एस राजामौली से कहना चाहता हूं, आप डरिए नहीं, आपके साथ ऐसे भी बहुत सारे सिनेमा प्रेमी हैं जो आपके साथ खड़े हैं, आपकी बातों को मानेंगे, और आप जब भी बाहुबली 3 का निर्माण करेंगे उसे भी लोग अपने दिल से लगाएंगे। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, आप हमें कमेंट करके बताइए क्या आप बाहुबली 3 का रिमेक करवाना चाहते हैं या नहीं, या फिर नए सिरे से बाहुबली 3 की कहानी का आप इंतजार कर रहे हैं। हम आपके प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए बहुत उत्सुक हैं। क्या बाहुबली 3 बनाई जा सकती है? बाहुबली 3 के लिए बॉलीवुड के किन किन सुपरस्टार को कास्ट किया जा सकता है? बाहुबली ने आईपीएल को कैसे मात दी थी? मैं आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्राहक के फिल्मी गलियारे में। कुछ भी कहिए लेकिन बॉलीवुड तो बॉलीवुड होता है, और आपके बॉलीवुड कीड़े ने कभी ना कभी तो बाहुबली की बॉलीवुड स्टार कास्ट के बारे में सोचा होगा। वैसे फिल्मी गलियारों में आए दिन इस पर डिस्कशन होते ही रहते हैं, और बाहुबली का सबसे दिलचस्प डिस्कशन होता है बाहुबली की बॉलीवुड स्टार कास्ट। अब सबसे पहला नाम होता है प्रभास और सलमान खान। हालांकि पहले की बात और थी, लेकिन अब सलमान बाहुबली के किरदार में कैसे लगेंगे पता नहीं। हालांकि लोगों का मानना है कि सलमान खान से बेहतर ऑप्शंस बॉलीवुड के पास बाहुबली रिमेक के लिए है। वैसे तो बाहुबली का बॉलीवुड रिमेक बनना ना के बराबर, लेकिन सोचिए कि वाकई अगर ऐसी कोई फिल्म बने तो
कितनी शानदार होगी। प्रभास के किरदार के लिए तो हमारे पास कई ऑप्शंस हैं। वहीं जब बाहुबली रिलीज हुई तभी से लोगों ने इसकी बॉलीवुड स्टार कास्ट सोच ली थी। फिल्म में कैटरीना कैफ, तब्बू से लेकर अभिषेक बच्चन तक को जगह मिली थी, लेकिन अब वक्त बदल चुका है और बॉलीवुड भी। हालांकि सुपरस्टार आज भी सलमान खान है और उन्हें लीड रोल से कोई नहीं हटा सकता। बाहुबली के साथ मिलकर वो 800 करोड़ का बॉक्स ऑफिस प्लान भी बना चुके हैं। वैसे तो यशस राजामौली 1000 करोड़ की महाभारत की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन वाकई वो चाहे तो इस स्टार कास्ट के साथ बाहुबली का रिमेक बना सकते हैं। अगर बाहुबली किरदार की बात करें तो ऋतिक रोशन, ऋतिक पौराणिक और पीरियड किरदार बड़े शानदार ढंग से निभाते हैं। एक तरफ जहां उन्होंने जोधा अकबर में कमाल किया, वहीं मोहन जोदड़ो कैसी भी फिल्म रही हो, लेकिन ऋतिक रोशन फिल्म में ठीक ठाक लग गए थे। वैसे भी उनकी फैन फॉलोइंग शानदार है, ऐसे में बाहुबली के किरदार में ऋतिक रोशन जान डाल देते। अगर आमिर खान को इस रोल के रूप में देखें तो उन्हें हर तरह के किरदार में देखा जा चुका है, लेकिन ऐसे कभी नहीं देखा गया। तो आमिर खान अगर बाहुबली का किरदार निभाते हैं तो कैसे लगते हैं, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। वैसे तो सलमान खान सुल्तान है, लेकिन जब से बाहुबली रिलीज हुई है तब से सबका यही मानना है कि सलमान को चाहे बॉलीवुड का बाहुबली कह लो या फिर प्रभास को साउथ का सुल्तान, दोनों एक ही बात है। वैसे भी वीर जैसी फिल्म में सलमान खान अपना पीरियड ड्रामा वाला जलवा दिखा चुके हैं। तमन्ना भाटिया वाला किरदार, श्रद्धा कपूर तमन्ना भाटिया की अवंतिका किरदार बाखूबी निभा लेंगी। एक तरफ बागी में उनके स्टंट्स तो लोगों ने देख ही लिए हैं, वहीं दूसरी तरफ श्रद्धा कामुक अंदाज में बेहद खूबसूरत लगेंगी और बाहुबली के साथ उनके भीगे भीगे गाने। अनुष्का शेट्टी द्वारा निभाए गए रोल की बात करें तो लोगों का मानना है कि सोनाक्षी सिन्हा देवसेना के किरदार के लिए परफेक्ट होंगी, क्योंकि पहला तो वो ऋतिक रोशन के साथ रोमांस करती हुई शूट कर जाएंगी और फिर उम्र बढ़ने के किरदार में वो भी बाखूबी जमेगी। लेकिन कटप्पा का रोल कौन निभाएगा? अगर ध्यान से देखा जाए तो कटप्पा के रोल के लिए नसरुद्दीन शाह फिल्म का सबसे अहम किरदार, जिस पर पूरे देश की नजरें हैं। आखिर उसने बाहुबली को क्यों मारा, ये नसरुद्दीन शाह बड़े अच्छे से समझा लेंगे। के बाद आता है एक महत्वपूर्ण करेक्टर, शिवगामी। शिवगामी के करेक्टर के लिए विद्या बालन से बेहतर कोई और चॉइस नहीं हो सकती है। वैसे अगर वो ये किरदार नहीं निभाती है तो ऑप्शंस में हमारे पास हैं। अगर बिज्जल देव के करेक्टर की बात करें तो इस रोल को अनुपम खेर बहुत संजीदगी के साथ निभा सकते हैं। उनमें नेगेटिव, पॉजिटिव और ग्रे हर तरह का शेड दिखाई दे जाएगा। कालके असुरों के राजा कालके की भूमिका में नवाजुद्दीन सिद्दीकी बेहतरीन लगेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको भी बाहुबली की कास्ट के कुछ आइडिया हो तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अजामौली स्टारर बाहुबली को आज रिलीज हुए पूरे 2 साल हो गए और इन 2 सालों में भी फिल्म की यादें आज तक ताजा हैं। चाहे वो प्रभास का किरदार अमरेंद्र बाहुबली हो या फिर राणा दग्गुबाती का किरदार भल्लाल देव, फिल्म के 2 साल पूरे होने की खुशी में फिल्म के ट्विटर हैंडल से एक शानदार ट्वीट किया गया था। बाहुबली को पूरा हुए 2 साल हो चुके हैं। फिल्म ने न केवल शानदार रिकॉर्ड बनाए थे बल्कि भारतीय सिनेमा के स्टैंडर्ड से शानदार कीर्तिमान और उदाहरण भी लिखे। सभी को धन्यवाद इस फिल्म को इतना प्यार देने के लिए। वैसे हिंदी सिनेमा में भी बाहुबली ने काफी मिथक तोड़ी थी। फिल्मों के लिए आईपीएल सीजन ठंडा माना जाता है और इस दौरान लोग मैच देखना पसंद करते हैं, फिल्में नहीं। लेकिन बाहुबली ने साबित किया कि लोग फिल्में भी देखते हैं और ताबड़तोड़ देखते हैं, बशर्ते फिल्में देखने लायक हो तो। बाहुबली को फेस्टिवल के बिना रिलीज किया गया था। अक्सर देखा गया है सलमान खान की ईद और शाहरुख खान की दिवाली, आमिर खान का क्रिसमस और जो बचे वो अक्षय कुमार ऋतिक रोशन का। इन सब चक्कर में पड़कर फिल्में नहीं कमाती हैं, ये बाहुबली ने दिखा दिया। एक मिथ, स्टारडम से कमाती हैं फिल्में। फिल्म जब तक कोई बड़ा स्टार नहीं होगा तब तक फिल्म नहीं कमाएगी, ऐसा नहीं होता। बाहुबली में तमन्ना छोड़कर किसी को लोग नहीं जानते थे, बल्कि राजा मौली भी चाहते थे कि फिल्म में
पहचाने हुए चेहरे हो जैसे ऋतिक रोशन, जॉन इब्राहिम, पर ऐसा नहीं हो पाया और शायद अच्छा ही हुआ। ये बात करते हैं प्रमोशन से। प्रमोशन के बिना भी होता है गुजारा। शाहरुख खान रेल से रईस का प्रमोशन कर रहे थे तो अभिषेक बच्चन एक ही दिन में 10 शहर जाकर अपनी फिल्में प्रमोट किए। इतने ज्यादा प्रमोशन से कुछ नहीं होता, बिना प्रमोशन भी फिल्में चल जाती हैं अगर ढंग से प्लान किया जाए तो। कंटेंट होता है बॉक्स ऑफिस का बाप। केवल एक स्टार को लेकर गाने डालकर एक आइटम नंबर और थोड़ा सा रोमांस से फिल्म के लिए काफी नहीं होता। फिल्म को कंटेंट चाहिए तब जाकर वो बॉक्स ऑफिस पर टिकती है। बिना आइटम सॉन्ग के भी फिल्म हिट होती है, ये तो बॉलीवुड जरूर सीख ले। स्क्रीन से नहीं दर्शकों से होती है कमाई। हर स्टार अपनी रिलीज की स्क्रीन बढ़ाता जाता है। जैसे अगर बजरंगी 4000 स्क्रीन पर रिलीज हुई तो सुल्तान 5000, लेकिन इससे कुछ नहीं होता। उम्र से नहीं बनता हीरो। हीरो और रोमांस उम्र देखकर किया जाना चाहिए, वरना कितना भी सुपरस्टार हो दर्शक उसे नकार ही देंगे। फटाफट नहीं बन जाती फिल्में। बाहुबली 5 साल में बनी। यहाँ प्रेम रतन धनपायो का शेड्यूल जरा सा खींचा था कि आफत हो गई थी। हमारे यहाँ 40 दिन में फिल्म निपटा लेने की परंपरा है, क्योंकि कई स्टार्स की फीस भी हर दिन के हिसाब से होती है। ऐसे में अच्छी फिल्में कहाँ से बनेंगी? जो टिकता है वो बिकता है। जो बॉक्स ऑफिस पर 10 दिन तक टिका रहा वही बिका। यहाँ पर उल्टा होता है। शुरू के 3 दिन फिल्म ने जितना कमा लिया वही फिल्म की जमा पूंजी होती है। क्लास वाली फिल्में, कुछ फिल्में एक क्लास के लिए होती है, ऐसा कुछ नहीं होता। अच्छी फिल्में हर दर्शक वक्त देखना चाहता है। 3 दिन में 100 करोड़, अगर फिल्म ने 3 दिन में 100 करोड़ कमा लिया तो वो ब्लॉकबस्टर है। यहाँ बाहुबली ने 4 दिन तक लगातार 100 करोड़ कमाया। डायरेक्टर वो ही जो हीरो मन भाए। हमारे यहाँ एक्टर अपना डायरेक्टर ढूंढ लेता है, जैसे कि सलमान ने टाइगर सीक्वल के लिए अपने सुल्तान डायरेक्टर को फाइनल कर लिया, जबकि एक था टाइगर कबीर खान की कहानी है जो दिमाग से काफी सक्षम है और जो मानते हैं कि सीक्वल ऐसे हवा में नहीं बन जाते। एक फिल्म का हवा, किसी फिल्म का इतना हवा नहीं बनाना चाहिए कि उसकी हवा निकल जाए। जैसे कि हीरो रिमेक को सलमान ने प्रमोट कर के फिल्म की जान निकाल दी। सीक्वल मतलब सीक्वल भैया, सीधी सी बात है। सीक्वल मतलब सीक्वल होता है और वो कायदे से प्लान बनाने के बाद ही बनाया जाता है। बाहुबली 2 ने बॉलीवुड के उन सभी ठोस नियम की ऐसी की तैसी कर दी थी। वो नियम जो थे तो फर्जी, पर जिनका पालन बॉलीवुड हाथ पैर धोकर करता था। फिल्म चल जाए या ना चले, इन नियमों को बदलने की कोशिश किसी ने नहीं की, लेकिन बाहुबली 2 ने एक एक दिन एक एक नियम की धज्जियां उड़ा दी और बॉलीवुड को सोचने की जरूरत पड़ गई कि क्या वाकई ये नियम किसी काम के थे। धीरे धीरे बॉलीवुड में अब ये सारे नियम बदले जा रहे हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप हमें कमेंट करके बताइए क्या आप बाहुबली 3 का रिमेक करवाना चाहते हैं या नहीं, या फिर नए सिरे से बाहुबली 3 की कहानी का आप इंतजार कर रहे हैं। हम आपके प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए बहुत उत्सुक हैं। क्या राजा मौली बना रहे हैं बाहुबली 3? कैसी होगी बाहुबली 3 की कहानी? बाहुबली 2 फिल्म में वो कौन सी गलतियां हैं जिन पर आपकी नजर नहीं गई? आपका स्वागत करते हैं बॉलीग्राड के फिल्मी गलियारे में। बाहुबली एक ऐसी फिल्म बन गई है जिसकी कमाई के आगे किसी भी फिल्म के टिकने की कोई गुंजाइश नहीं। वो बाहुबली की कहानी हो या फिर इसका स्टार कास्ट, इसने लोगों को अपना दीवाना बना दिया। बाहुबली इकलौती ऐसी फिल्म है जिसने रिलीज से पहले और रिलीज के बाद कई रिकॉर्ड्स अपने नाम किए। बाहुबली के निर्देशक ने घोषणा की है कि भले ही बाहुबली की कहानी बड़े पर्दे पर खत्म हो जाए, पर इसकी दुनिया का कभी अंत नहीं होगा। ये होगी बाहुबली 3 की कहानी। बताया जा रहा है कि बाहुबली के बाद अब बाहुबली 3 भी बनने जा रही। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि फिल्मी गलियारों में ऐसी खबर आ रही है और ऐसा कहा जा रहा है कि बाहुबली 3 बनने का ऐलान खुद राजा मौली ने ट्विटर पर किया है और सोशल मीडिया पर ऐसा वीडियो भी पोस्ट किया गया है।
और वीडियो में बताया गया है कि राजामौली बाहुबली के तीसरे भाग में अमरेंद्र बाहुबली, शिवगामी और भल्लाल देव के पिता इच्छल देव की कहानी को फिल्माएंगे। ये फिल्म बाहुबली सीरीज का प्रीक्वल होगी जिसमें बाहुबली के जन्म से पहले की कहानी बताई जाएगी। इंटरव्यू के दौरान राजामौली ने इस बारे में बात करते हुए कहा था कि बाहुबली की कहानी को और नहीं खींचा जाएगा। उनके मुताबिक बाहुबली 3 की कहानी को नए सिरे से बनाने के बारे में सोचा जा रहा है। इसके अलावा बाहुबली के तीसरे भाग में प्रभास होंगे या फिर किसी नए चेहरे को कास्ट किया जाएगा, इसके बारे में एसएस राजामौली ने कुछ नहीं कहा। बाहुबली 2 फिल्म आई, ये भी पता लग गया कि बाहुबली को कटप्पा ने मिस कॉल का जवाब न देने पर मारा। बाहुबली से जुड़ी छोटी से छोटी डिटेल अब आपके पास है। कालके के बेटे का असल जिंदगी में किस स्कूल में एडमिशन हुआ है से लेकर ये तक पता है कि तमन्ना सेट पर दही जलेबी में नींबू निचोड़कर खाती थी। ये इस फिल्म में जनता के इंटरेस्ट की हद है। साड़ी तक आ गई है बाहुबली प्रिंट की। और तो और, बांग्लादेश से 40 जने फिल्म देखने इंडिया आए चार्टर प्लेन से, तो समझ रहे हैं ना आप, रेरा खिंचा है फिल्म का, कमाई का तो पूछो नहीं। अब ऐसे में लोग आगे आए हैं फिल्म की गलतियां लेकर। यूट्यूब से लेकर सोशल मीडिया तक फिल्म में जो गलतियां और खामियां हैं या नहीं है वो बताई जा रही है। देखिए बताया गया, सोता हुआ जूनियर आर्टिस्ट, ट्रेलर में भी आपने ये सीन देखा होगा, तीसरी चौथी लाइन में खड़े एक आदमी की आंखें दिखाकर कहा जा रहा है कि शूटिंग के वक्त ये आदमी सो गया, ये बड़ा फर्जी फैक्ट। किसी एक फ्रेम में उसकी आंख बंद हो गई तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सो रहा। आप उसके आगे पीछे के पलों को देखिए, वो बाकायदा खड़ा है और जाग रहा है। गदा पढ़ने से पहले ही फर्श टूट गई। ये क्लाइमेक्स का सीन है जहां बाहुबली के बेटे और भल्लाल की लड़ाई हो रही है। दिखाया ये गया कि भल्लाल अपनी गदा से उसे मार रहा था और उसके जोर से फर्श तक टूट गया, लेकिन इफेक्ट लगाने में गलती हो गई और गदा पड़ने से पहले ही फर्श टूट गया। ये सही गलती पकड़ी गई है, लेकिन फिल्म देखते वक्त आप उत्तेजना और तेजी में ये चीज मिस कर देते हैं। तीसरी गलती, एक वार से 4 आदमी उड़ गए बिना चोट खाए ही। एक सीन में जंगल में एक पालकी गुजरती है, डाकू उसे लूटने को होते हैं, लेकिन अंदर से देवसेना निकल आती है और डाकुओं को चित कर देती है। लड़ाई करते हुए वो तलवार चलाती है और डाकू ये जा वो जा के हाल में उड़ने लगते, लेकिन सीन देखा जाए तो पता लगता है कि बिना तलवार छुए ही 3 डाकू उड़ लिए थे। ये तो दोस्त कुछ भी था, इतना तो कर लेते कि सबको एक एक रत्ती तलवार छुआ देते। चौथी गलती, डेड बॉडी कहाँ गई? दोस्त फिल्म देखा, इसके बारे में कहा गया है कि जब कटप्पा ने बाहुबली को तलवार मारी तो वहाँ 3 और 1 डेड बॉडी पड़ी थी, पर अगले ही सीन में वो कहाँ गई? ये फालतू का मीन मेक निकालना है, जाओ पिक्चर देख के आओ। अरे एक बार पिक्चर तो देख लो यार, ट्रेलर में 2 सीन के बाल की खाल ना निकालो। इन 2 सीन के बीच में भी बहुत कुछ होता है और बाहुबली आगे जाकर पत्थर पर बैठ जाता है। फ्रेम अलग है, कैमरा एंगल अलग है, सीन ही अलग है, तो तुम्हारे लिए डेड बॉडी क्या काल के लेके आएगा? गलती, बिना पूछ के तीर। तीर के 2 हिस्से होते हैं, एक नोक दूसरा पिछला सिरा। एक वीडियो में दावा किया गया है कि इस सीन में तीर का पिछला सिरा गायब है। यार प्लीज कुछ सलीके का लाओ। फिर से वही एक फ्रेम देख के बात कह दी, वो जिस एंगल से तीर आ रहा है नहीं दिख रहा है पिछला सिरा, बाकी अगल बगल 1000 तीर है, सब में पूछ दिख रही है। लोग इतने बुद्धू भी नहीं है कि जिस तीर को दिखा रहे हैं उसमें ही गलती कर दे। गलती, भद्रा की माँ कौन थी? देवसेना, शिवगामी, अवंतिका, इन सब को हमने जाना, लेकिन एक महिला और होनी थी, भल्लाल की बीवी। आपको भद्रा याद है ना? अरे वो जिसका गला शिवा यानी बाहुबली का बेटा पिछली जन्म में ही काट लेता है, उसकी माँ कौन थी? इस फिल्म में भी देवसेना और भल्लाल की पूरी नफरत दिखाई गई, लेकिन ये जिक्र तक नहीं आया है कि भल्लाल की शादी किससे हुई, बाहुबली को कटप्पा ने क्यों मारा के बाद यही सवाल तो इस बार नया जोक बना है कि भल्लाल की बीवी आखिर थी कौन। ये इस बार का बड़ा लोच है। ज्यादा नहीं बताएंगे, लेकिन ढाल का फिल्म में बहुत सही यूज हुआ है, लेकिन अभी देखिए इस बड़ी सी ढाल में पकड़ने का तो हत्था ही नहीं है जो कि दूसरे सीन में दिखता है। ये एक मजेदार भूल। 9, ये सीन कहीं देखा है? कुछ लोग फेसबुक पर ये दावा कर रहे हैं कि ये सीन कहीं देखा हुआ या कॉपी किया गया है। दरअसल ये सीन ट्रेलर में तीरों के एक सीक्वेंस के साथ आता है, जिसकी वजह से कैप्टन अमेरिका सिविल वार का वो सीन बरबस ही याद आता है जिसमें एंटमैन हॉक आई के तीर पर सवारी करता है। माने ये सीन कहीं से कॉपी नहीं किया गया है, बस एक सा होने के कारण थोड़ा उस जैसा लगता है। पॉइंट कहाँ है बेई?
अरे यार, हम बोलते बोलते और आप सुनते सुनते ये भी भूल गए, 7 नंबर पर कुछ है ही नहीं यार। तो आप हमें कमेंट करके ये बताइए, क्या बाहुबली 3 बननी चाहिए या नहीं? तो लगता है ऐसे राजा मौली को बाहुबली 3 बनानी चाहिए, क्योंकि ऐसी फिल्में अगर भारत में बनती हैं, तो हमारा भारतीय सिनेमा विश्व स्तर पर आराम से अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकता है। आज के लिए बस इतना ही। बाहुबली को बॉलीवुड कल्ट फिल्मों में क्यों शामिल किया गया है? हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर रमेंद्र चक्रवर्ती आप सभी का स्वागत करता हूं बॉलीग्राड के गलियारे में। आज मैं बात करने जा रहा हूं एसएस राजामौली की फिल्म बाहुबली के बारे में। जब भी बाहुबली का जिक्र होता है, भारतीय सिनेमा का रास्ता हॉलीवुड की ओर साफ दिखाई देता है, क्योंकि एसएस राजामौली एक ऐसे निर्माता और निर्देशक थे जिन्होंने हॉलीवुड की ओर एक रास्ता बनाया अपने इस फिल्म के माध्यम से। क्योंकि इस फिल्म में बहुत सारी ऐसी बातें थी जो लोगों को प्रेरित करती हैं हॉलीवुड लेवल की फिल्में बनाने के लिए। चाहे इस फिल्म के पात्र को लिया जाए, चाहे इस फिल्म की स्टोरी को लिया जाए, या इस फिल्म के बेफेक्ट्स को लिया जाए, ये सारी बातें जो थी वो सब हॉलीवुड फिल्मों में आप आसानी से देख सकते हैं। अगर हम बाहुबली की स्टोरी की बात करते हैं, तो जो बाहुबली की स्टोरी थी वो हमारे महाकाव्य रामायण और महाभारत से प्रेरित थी, और बाहुबली के जो पात्र भी थे वो सारे पात्र रामायण और महाभारत से ही लिए गए थे। अगर सबसे पहले हम बात करते हैं कि बाहुबली का जो लीड हीरो यानी कि अमरेद बाहुबली को रामायण के राम से क्यों प्रेरित किया गया था। बेसिकली अगर आप चारों तरफ देखते हैं तो हमारे देश का जो सामाजिक परिदृश्य है वो बदल रहा है, सत्ताएं टूट रही हैं, सामाजिक विसंगतियां आ गई। तो क्योंकि सिनेमा जो होता है वो समाज का आईना होता है, और सिनेमा के माध्यम से बहुत सारे निर्देशक ये समझाने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से समाज को एक दिशा दी जा सके। रामायण में का भी पाठ जो है, राम के माध्यम से ये दिखाने की कोशिश की गई थी कि हमारा भारतीय समाज कैसा होना चाहिए, एक आदर्शवादी। रामायण में ये दिखाने की कोशिश की गई थी कि एक बेटा अपने बाप का कहना कितना मानता है, और बाहुबली में ये दिखाने की कोशिश की गई है कि एक बेटा अपने मां का कितना कहना मानता है। दोनों चीजें एक ही है, बस समय बदला है। क्योंकि उस समय की जो सत्ता थी वो पुरुषों के हाथ में थी, और आज की जो सत्ता है, क्योंकि हर कोई चाहता है, नारी आंदोलन को एक प्रकार से सम्मान देना चाहता है, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करता है, तो बाहुबली फिल्म में एसएस राजामौली ने एक वुमेन एम्पावरमेंट की बात की थी, और दिखाने का भी कोशिश किया गया है कि एक वुमेन किस प्रकार से पुरुष को कहां से कहां पहुंचा देती है। हां, क्योंकि राज सत्ता की कहानी थी, इसलिए थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं पर उसे निरंकुश दिखाया गया है। अब अगर इसमें दूसरे पात्र की बात किया जाए कि महाभारत का जो शकुनी था और इस बाहुबली का जो खलनायक था, दोनों में समानताएं थी, उस पात्र से प्रेरित, और महाभारत का जो भीष्म था और ये बाहुबली का जो कटप्पा था, दोनों में समानताएं। उधर महाभारत का भीष्म पूरा जीवन सिंहासन की रक्षा करते हुए बिना शादी किए हुए अपना संपूर्ण जीवन न्यौछावर कर देता है, इधर बाहुबली का कटप्पा भी बिना शादी किए हुए अपना सब कुछ राजमाता के लिए, बाहुबली के लिए सब कुछ नौछौर कर देता है। बस आज की तारीख में बाहुबली को प्रेजेंट किया गया था,
कि जिससे दर्शक वर्ग अपने आप को कनेक्ट कर सके। और अगर बात की जाए कि बाहुबली की पटकथा इतनी अच्छी क्यों, क्योंकि जब तक किसी फिल्म की पटकथा अच्छी नहीं होगी तब तक आप किसी अच्छे सिनेमा का निर्माण कर ही नहीं सकते। खास करके SS राजामौली ने इस फिल्म की पटकथा लिखने में बहुत समय लिया था। आखिरकार बाहुबली जो फिल्म है वो आज के समय की जो फिल्में हैं उनसे अलग क्यों मानी जाती है? मेन कारण था कि इस फिल्म का जो स्क्रीन प्ले SS राजामौली और उनके पिता दोनों ने मिलकर के लिखी थी। क्योंकि जब किसी फिल्म का स्क्रीन प्ले बहुत अच्छा होता है तो निर्देशक के लिए बहुत अच्छा हो जाता है उस फिल्म की कहानी को सूट करना। और सबसे बड़ी बात क्या थी इस फिल्म का कॉन्सेप्ट, क्योंकि भारतीय जो समाज है वो आज भी अपने उस परिवार में ही जिंदा रहना चाहता है, बेसिकली अपनी एक कम्युनिटी में जीता है। इस फिल्म में भी एक कम्युनिटी के जरिए ही उस चीज को दिखाने की कोशिश की गई। बेसिकली जो बाहुबली है वो बाहुबली को इसमें सिर्फ एक राजा के रूप में नहीं दिखाया गया, इस प्रकार से दिखाया गया है कि जो बाहुबली है वो एक पूजनीय हो। यही कारण था कि जब फिल्म का निर्माण हो रहा था तो जैन भिक्षु जो थे उस बाहुबली शब्द से उनको एतराज था कि बाहुबली शब्द क्यों यूज किया गया है। तब SS राजामौली ने अपने एक साक्षात्कार में इसकी सफाई दी थी कि हम बाहुबली शब्द जो यूज कर रहे हैं वो सिर्फ एक शब्द नहीं होगा बल्कि उसका अपना एक सम्मान होगा और वो पूजनीय होगा। तब कहीं जाकर के जैन भिक्षुओं ने इसकी इजाजत दी थी। और जो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर भारतीय समाज के इतिहास के पन्नों को आप उठा करके देखते हैं तो हमेशा जो राजसत्ता है वो परिवार के क्लेश से उपजी हुई है कि किस प्रकार से भाई भाई का वध करता है। और यही चीज आपको बाहुबली में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। जब आप बाहुबली सिनेमा देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये सारी जो घटनाएं हैं ना वो आपके आसपास घटित होती है। किस प्रकार से एक भाई दूसरे भाई से द्वेष करता है, किस प्रकार से एक माँ उसके दोनों बेटे हैं लेकिन एक को ज्यादा प्यार करती है एक को कम प्यार करती है, लेकिन माँ के लिए तो दोनों बेटे बराबर है। लेकिन बेसिकली ये सारी चीजें जो है हमारे रीत रिवाज और परंपरा में विद्यमान है, उन्हीं को देखी देखा हर आदमी उसी प्रकार से अपने आप को ढाल लेता है। और सबसे अच्छी बात यह थी कि इसमें जो प्रेम प्रसंग दिखाया गया है, एक ऐसी नारी को दिखाया गया है कि वो नारी कहती है कि हमारी खुद की अपनी एक आइडेंटिटी है, हम किसी ऐसे इंसान से शादी नहीं करेंगे जिसकी मां चाहती हो उसके लिए कि मतलब उठा करके लाओ और हमारे बेटे के साथ शादी करो। उसने उस चीज को नकार दिया है। और दूसरा इस फिल्म का जो बहुत मेन पहलू है कि उन प्रसंगों को, जिन प्रसंगों की बात हमारे भगवान श्री कृष्ण जी करते हैं कि किस प्रकार से प्रेम किया जाए, उस प्रेम की प्रकाष्ठा को किस प्रकार से प्रदर्शित किया जाए, इस फिल्म में भी दिखाया गया है। अक्सर जो कि हमारे भारतीय सिनेमा में दिखाया जाता है कि एक गरीब इंसान एक अमीर कन्या से कैसे प्यार करता है, उसी चीज को इसमें भी कॉपी पेस्ट किया गया। इस फिल्म का जो नायक है जब रानी से प्यार करता है तो उसे पता नहीं होता है उस रानी को कि ये जो नायक है, ये जो अमरेंद्र है, वो किसी देश का राजकुमार नहीं है। ये बाद में खुलता है राज, और जो कि आज की भी कहानियों में सारी चीजें विद्यमान है। यह सिर्फ इसलिए डाला गया है कि फिल्म में थोड़ी सी रोचकता बनी रहे। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस फिल्म में जिन जिन हथियारों को इस्तेमाल किया गया है उन सारे हथियारों का निर्माण SS राजामौली ने अपने संरक्षण में स्वयं करवाया था, क्योंकि इससे पहले ऐसे हथियारों का इस्तेमाल किसी भी फिल्म में नहीं किया गया था। तो कह सकते हैं कि सिनेमा का जो क्राफ्ट होता है वो आपको इस फिल्म में देखने को मिलता है कि किसी भी फिल्म का क्राफ्ट कैसे होना चाहिए। क्योंकि एक निर्देशक की जो सोच होती है ना वो सिनेमा में दिखाई देती है। जैसे कि अगर आप बात करते हैं कि इससे पहले बाहुबली से पहले कौन सी भव्य फिल्म थी,
तो बाहुबली से पहले हमारे हिंदी सिनेमा में शोले को सबसे बड़ी भव्य फिल्म माना जाता है, जिसकी स्क्रिप्ट लिखी थी सलीम जावेद, क्योंकि उस फिल्म को भी एक कल्ट फिल्म ही कहा जाता है, क्योंकि उसका जो है वो खलनायक हो। अगर हम शोले से और बाहुबली को कंपेरिजन करें तो दोनों में कहीं ना कहीं समानता स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, क्योंकि उस फिल्म की जो पृष्ठभूमि थी एक डकैत पर थी। इस फिल्म की जो पृष्ठभूमि है वो भी एक डकैत है जो राज को हड़पना चाहता है। बस अंतर थोड़ा सा ये है कि जो शोले की स्टोरी थी वो किसी महाकथा से प्रेरित नहीं थी, लेकिन बाहुबली की जो स्टोरी है वो एक महाकथा से प्रेरित थी। जिस प्रकार से शोले में एक डकैत को बहुत बड़ा पावरफुल दिखाया गया है, उसी प्रकार से बाहुबली में भी इस फिल्म के खलनायक को बहुत पावरफुल दिखाया गया है। चलिए हम अब बात करते हैं कि इस फिल्म का संगीत, इस फिल्म का जो संगीत था वो लाजवाब है। आज भी जब भी बाहुबली का संगीत कहीं किसी रेडियो या किसी मोबाइल पर बजता है तो मन करता है बस यहीं रुक जाए और सुने, फिर आगे अपने कदमों को बढ़ाए, क्योंकि बाहुबली का संगीत जो है ना इतना मधुर है कि कानों को बहुत प्रिय लगता है। कोई भी संगीत हो, चाहे उसका बैकग्राउंड संगीत हो या मेन संगीत हो, हर संगीत उसका अच्छा है। क्योंकि अगर इसमें जो बार बार जो गाना बजता है कि जियो रे जियो बाहुबली, वो अपने आप में इतना पावरफुल है कि हर आदमी के अंदर एक ऊर्जा पैदा कर देता है। ज्यादातर मैंने देखा है कि लोगों ने जब भी इस गाने को बजाया है और जिन जिन के कानों पर ये गाना सुनाई दिया है, वो उनके अंदर की जो अंतरात्मा है वो अपने आप में प्रफुल्लित हो जाती है। और खास करके इसका संगीत पक्ष इसलिए अच्छा है कि जब आप इसके गानों को ध्यान से सुनेंगे तो एक एक इंस्ट्रूमेंट्स की आवाज आपको साफ सुनाई देगी। इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक कैसे प्रयोग जरूर किया गया है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक जो इंस्ट्रूमेंट म्यूजिक है उस पर कहीं से भी हावी होता दिखाई नहीं देता, जो कि अगर आज के जमाने में अगर आप संगीत पर ध्यान दें कि हमारे भारतीय सिनेमा का संगीत कैसा है, तो उसमें बस खाली बस आवाजें सुनाई देती हैं। खास करके उसका मेन कारण है कि ऐसा संगीत क्यों हो गया है। ऐसा संगीत इसलिए हो गया है कि हमारा जो यूथ है वो सब मैगी बॉय है, उसको सब कुछ रेडीमेड चाहिए, मेहनत नहीं करना चाहता। लेकिन SS राजामौली ने इस फिल्म के माध्यम से यह दिखाने की कोशिश की गई है कि अगर आपके जीवन में सब कुछ रेडीमेड हो जाएगा तो अच्छा नहीं होगा, बल्कि आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए अगर सिनेमा के पक्ष को देखें कि कौन सा सिनेमा का पक्ष सबसे ज्यादा मजबूत होता है, तो उसकी बात होती है स्टोरी की। बाहुबली की स्टोरी बहुत ही अच्छी थी, चाहे आप पहला पार्ट देखिए चाहे आप दूसरा पार्ट देखिए। खास करके जब बाहुबली का पहला पार्ट खत्म होता है तो उसमें एक प्रश्न आता है कि कटप्पा ने बाहुबली को आखिर क्यों मारा। ये लोगों को एक साल तक परेशान करता रहा कि जो शख्स अपनी बाहों में जिस बच्चे को पालता हो और खिलाया हो, सिखाया हो, पढ़ाया हो, हथियार चलाना सिखाया हो, और फिर उसने अपने ही हाथों से उसका कत्ल कर दिया, थी बहुत हैरानी वाली बात। लेकिन जैसे ही दूसरा पार्ट रिलीज होता है, सारे सवालों के जवाब अपने आप लोगों को मिलने लगते हैं कि आदर्श, क्योंकि हमारा भारतीय समाज हमेशा आदर्श की बात करता है, हमेशा आदर्शवादी समाज ढूंढता है। लेकिन दोस्तों, जब भी किसी आइडियल की बात की जाती है, वहां पर निरंकुशता अपने आप आ जाती है, क्योंकि कटप्पा ने बाहुबली को इसलिए मारा था क्योंकि राजमाता को लगने लगा था कि कहीं ना कहीं कि बाहुबली की वजह से समाज में कुछ विसंगतियां आ जाएंगी, जिससे कि राज सत्ता पर कुछ ना कुछ दुष्प्रभाव पड़ेगा। और उसका मेन कारण था षड्यंत्र, जैसा कि समाज में होता है। षड्यंत्र का शिकार तो हर कोई हो जाता है, राम भी हो गए थे षड्यंत्र का शिकार। राम ने भी धोबी के कहने पर सीता का परित्याग कर दिया था, और इसमें भी
सेम कहानी को और सेम सीन को रिपीट किया गया। बाहुबली ने भी घर छोड़ दिया था, परित्याग कर दिया था माता का। और उसी प्रकार से जैसे कि आप महाभारत में देखते हैं कि द्रौपदी का चीरहरण होता है, उस सीन को भी यहां पर कॉपी पेस्ट कर दिया गया। यहां पर मंदिर में छेड़ी जाती है महारानी साहिबा, और उसका बदला लेने के लिए अमरेंद्र साहब को गुस्सा आ जाता है और जाके उसका धड़ काट देते हैं। उसी प्रकार से महाभारत में भी भीम पहुंचते हैं और उसके सीने को चीर करके और उसका खून पी जाते हैं। चीजें सब कुछ वही थी, बस प्रस्तुति करने का तरीका अलग था कि आज का समाज और आज का यूथ उससे कनेक्ट कैसा। मैं तो बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं SS राजा मौली का कि उन्होंने ऐसी फिल्म का निर्माण किया जो कि हमारे जितने भी फिल्म मेकर हैं उनके लिए, हॉलीवुड के लिए एक रास्ता बहुत अच्छा बनाया है। अब बात हम ये करते हैं कि आज के जमाने में बाहुबली सिनेमा की क्या प्रासंगिकता है, क्या ऐसा सिनेमा समय समय पर बनते रहना चाहिए या फिर इतने महंगे बजट की फिल्में बनाने की कोई जरूरत नहीं। देखिए, अगर आप मुझसे पूछेंगे कि क्या बाहुबली जैसी फिल्मों का निर्माण होना चाहिए तो मेरा जवाब ये होगा, यस। मैं तो ये कहूंगा कि बाहुबली जैसी फिल्मों का निर्माण समय समय पर क्या, बहुत सारे जितने भी यहां पर हैं, चाहे वो बॉलीवुड हो, चाहे टॉलीवुड हो, या जितने भी क्षेत्रीय सिनेमा है, हर किसी को ऐसी फिल्मों का निर्माण करना चाहिए। क्योंकि ऐसी फिल्मों का जब निर्माण होगा तो जब भी भारतीय सिनेमा के इतिहास का जिक्र होगा वो स्वर्णिम अक्षरों में जिक्र होगा। इतिहास अपने आप को स्वयं दोहराएगा और याद भी रखा जाएगा। लेकिन आज जो भारतीय समाज जिन चीजों से जूझ रहा है वो सबसे बड़ा है परिवार। क्योंकि एक बेटा अपनी मां की के लिए कुछ नहीं कर पा रहा है, उसका मेन कारण है टेक्नोलॉजी। और उस टेक्नोलॉजी के कारण परिवारवाद टूट रहा है। तो ऐसी फिल्मों का जब भी निर्माण होता है उसमें यह दिखाया जाता है कि परिवार जो है कितना अहम होता है। जब भी परिवार टूटता है वो सिर्फ एक विनाश का कारण होता है और हाथों में कुछ मिलता नहीं। तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप सिर्फ परिवार को लेकर ही फिल्में बनाइए, प्रेम को लेकर भी फिल्में बनाइए, हर जॉनर की फिल्में बनाइए। ऐसी फिल्में बनाने की कोशिश बहुत सारे लोग कर रहे हैं। जैसे कि अगर हम अभी रिसेंट में बात करें तो अजय देवगन साहब तानाजी बना रहे हैं, सलमान खान भारत बना रहे हैं। ये सारी फिल्में हैं जो कि बॉक्स ऑफिस में बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगी। क्योंकि जैसी जैसी खबरें इन सब फिल्मों के बारे में आ रही हैं हम सब के बीच एक उत्सुकता बढ़ती चली जा रही है। लेकिन बात यहां भारत और तानाजी की नहीं, बात हम कर रहे हैं बाहुबली की कि आखिर बाहुबली जो सिनेमा है उसका वीएफएक्स इतना महान क्यों था, उसके पीछे लोगों की मेहनत थी। क्योंकि ये पहली फिल्म थी जिसके जरिए क्रू मेंबर इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या किसी फिल्म का निर्माण सिर्फ उस फिल्म के हीरो हीरोइन या फिर स्क्रिप्ट राइटर म्यूजिशियन इन सब के जरिए किया जा सकता है? हाँ, इन सब का योगदान है बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन अगर आप इस फिल्म को देखेंगे तो इसके जो क्रू मेंबर्स थे बहुत भारी संख्या में लोग थे। एक प्रकार से ये कहा जा सकता है कि SS राजा मौली ने इन फिल्मों के माध्यम से एक रोजगार देने की व्यवस्था की। बहुत सारे लोगों का घर चला था, बहुत सारे कलाकारों ने काम किया था। और एक नई परिभाषा और निकल के आई, सिनेमा बनाने के लिए भाई वर्कशॉप करना जरूरी पड़ता है। अगर आप वर्कशॉप नहीं करोगे ना तो अच्छी सिनेमा नहीं बनेगी। ये SS राजा मौली ने ही लोगों को बताया है और यही कारण है कि हमारे सलमान खान साहब डर गए हैं, अपनी फिल्म भारत के लिए वर्कशॉप करने लगे। और इनको देखो, आमिर साहब सदमे में आ गए हैं, महाभारत पर वेब सीरीज बनाना चाहते हैं। अब उन्होंने भी SS राजा मौलिक से ही कह सकते हो कि सलाह ली है, जाकर के चुपचाप बैठ करके एक कमरे में स्क्रिप्ट पर काम करना शुरू कर दिया।
लेकिन मेरा मानना तो ये है कि बाहुबली फिल्म का क्या थर्ड पार्ट बनना चाहिए या नहीं। बाहुबली फिल्म का थर्ड पार्ट तो बनना ही चाहिए। वैसे जो खबरें आ रही हैं, इसके प्रिक्वल की खबरें आ रही हैं, प्रिक्वल का निर्माण किया जा रहा है, वेब सीरीज के माध्यम से दिखाने की कोशिश की जाएगी, ये अच्छी बात है। लेकिन जो मैं देखना चाहता हूं, जैसे कि मैं देखना चाहता हूं बाहुबली का तीसरा पार्ट, कदम नहीं रुकने चाहिए। कहीं ना कहीं एस एल राजामौली थोड़ा सा डर गए, क्योंकि हमारा जो भारतीय सिनेमा है ना, वो एक संकुचित विचारधारा से है, वो सारी चीजों को एडाप्ट नहीं कर पाता है, वो नकलची हो गया है। तो मैं एस एल राजामौली से कहना चाहता हूं, आप डरिए नहीं, आपके साथ ऐसे ही बहुत सारे सिनेमा प्रेमी हैं जो आपके साथ खड़े हैं, आपकी बातों को मानेंगे, और आप जब भी बाहुबली 3 का निर्माण करेंगे उसे भी लोग अपने दिल से लगाएंगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आप हमें कमेंट करके ये बताइए कि आप बाहुबली 3 का निर्माण होना चाहिए या नहीं। धन्यवाद। बाहुबली 3 कब शुरू हो सकती है? बाहुबली द कंक्लूजन देखने के बाद ऐसा क्यों लगता है कि अभी बाहुबली की कहानी बाकी है? नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनव शर्मा आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्राड स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में। बाहुबली द कंक्लूजन के एंड में भल्लाल देव का तो अंत दिखाया गया था, लेकिन उनके पिता बिजाल देव का नहीं। देखा जाए तो बिजाल देव ही मेन विलेन है, क्योंकि उन्होंने ही तो सारे षड्यंत्र रचे थे अपने बेटे को राजा बनाने के लिए। इससे ये तो साबित हो ही जाता है कि बदला लेने के लिए बिजाल देव किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो हो सकता है कि थर्ड पार्ट में वो बाहुबली से अपने बेटे की मौत का बदला लेते नजर आए। कटप्पा, जो कि बेहद वफादार इंसान है, उनके जीवन के बारे में फिल्म में ज्यादा कुछ बताया नहीं गया है। सिर्फ इतना बताया गया है कि उनके पूर्वजों के वचन के कारण वो हमेशा गुलाम ही रहेंगे। तो ये तो अपने आप में ही सोचने की बात है कि ऐसा क्या हुआ होगा कि वो इतने वफादार हैं, और अगर कल को उन्हें कुछ हो जाता है तो महेश मति और बाहुबली कैसे सही सलामत रहेंगे। क्योंकि फिल्म में दिखाया गया है कि जब तक कटप्पा बाहुबली के साथ है तब तक बाहुबली को कोई नहीं मार सकता है। बाहुबली के थर्ड पार्ट में इसलिए कटप्पा की जीवनी को भी दिखाया जा सकता है। अगर आपको याद हो कि बाहुबली द बिगिनिंग में कटप्पा का सामना काबुल के शेख असलम खान से होता है, जो कटप्पा की वफादारी को देखकर उन्हें कहते हैं कि अगर कभी भी जरूरत पड़े तो भूलना नहीं कि आपका कोई दोस्त भी है। ये रोल फिल्म में सुदीप ने प्ले किया था, तो हो सकता है कि सीन को इसी वजह से रखा गया हो कि थर्ड पार्ट में इससे एक नई कहानी जोड़ी जाए। और वैसे भी सुदीप खुद में ही एक बहुत ही मशहूर और उम्दा एक्टर भी है। फिल्म में दिखाया गया था कि शिवा भल्लाल देव के बेटे को मार देते हैं, लेकिन फिल्म में भल्लाल देव की बीवी को कहीं नहीं दिखाया गया। तो हो सकता है कि भल्लाल देव का कोई और बेटा या फिर बेटी हो, जो कि बाहुबली से अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए आए। बाहुबली के डायरेक्टर SS राजामौली ने खुलासा किया है कि फिल्म का थर्ड पार्ट जरूर बनेगा, लेकिन वो तभी बनेगा जब उनके पिता KV विजेंद्र प्रसाद उसकी स्क्रिप्ट लिखेंगे, जिन्होंने पहले दो भागों की स्क्रिप्ट भी लिखी थी। SS राजामौली ने कहा कि वो जानते हैं कि फैंस बाहुबली के नाम से ही फिल्म देखने आ जाएंगे, लेकिन वो ऐसा नहीं चाहते हैं। वो फैंस के साथ ऑनेस्ट रहकर एक लाजवाब फिल्म प्रस्तुत करना चाहते हैं। तो दोस्तों, हम यहीं पर आपसे विदा लेते हैं। देखते रहिए बॉलीग्राड स्टूडियोज। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपके कुछ सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे बेझिझक पूछ सकते हैं। खुदा हाफिज़। बाहुबली के प्रीक्वल की कहानी क्या है? क्या बाहुबली की तरह एंटरटेनमेंट के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ पाएगी? कैसे बाहुबली ने दक्षिण के फिल्म निर्माताओं के मन में लालच भर दिया? भल्लाल देव और अमरेंद्र बाहुबली के पुत्र
महेंद्र बाहुबली के बीच कितने सालों बाद युद्ध होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं अवध और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बॉलीवुड स्टूडियोज की एक और नई अपडेट में। एक और बाहुबली तैयार, 2018 का सबसे बड़ा धमाका। इन दिनों बॉलीवुड की कई बड़ी फिल्मों को लेकर जबरदस्त चर्चा है। ऐसे में एक बार फिर से भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक बाहुबली सुर्खियों में है। इस फिल्म का प्रीक्वल बनने जा रहा है। हाल ही में प्रीक्वल की कास्ट भी फाइनल कर ली गई है। बाहुबली की ये प्रीक्वल डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी और ये डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा नेटफ्लिक्स। वहीं इस प्रीक्वल में एक दिलचस्प ट्विस्ट है जो दर्शकों के लिए वाकई हैरान कर देने वाला होगा। बाहुबली के प्रीक्वल सीरीज में रिलीज किया जाएगा और ये ट्विस्ट है कि इसमें बाहुबली के बजाय शिवगामी देवी की कहानी दिखाई जाएगी। ये सीरीज महिष्मति साम्राज्य की महारानी शिवगामी के जीवन पर आधारित होगी। बॉलीवुड में लव सोनिया जैसे स्ट्रॉन्ग फिल्म से डेब्यू करने वाली एक्ट्रेस मृणाल ठाकुर शिवगामी का किरदार निभाएंगी। स्कंद दास के किरदार में राहुल बोस, अतुल कुलकर्णी, वकार शेख, समीर खान, सिद्धार्थ अरोड़ा और अनूप सोनी भी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में होंगे। मेकर्स की माने तो ये कहानी फिल्म की कहानी से 50 साल पीछे की होगी। ये सीरीज फैंस को फिल्म के किरदारों के पास्ट में ले जाएगी जिसमें और भी नए किरदार जुड़ेंगे। बाहुबली जैसे ब्लॉकबस्टर फिल्म को लेकर ऐसा आइडिया काफी दिलचस्प मालूम होता है। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि क्या ये सीरीज बाहुबली जैसी सुपर डुपर हिट हो पाएगी, क्या बाहुबली की तरह एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के सारे रिकॉर्ड तोड़ पाएगी। तो चलिए इसी बात पर हम आपको आगे बताते हैं। बाहुबली द कंक्लूजन ने बनाए कितने ताबड़तोड़ रिकॉर्ड। सबसे ज्यादा स्क्रीन बाहुबली दुनिया भर में लगभग 9000 स्क्रीन पर रिलीज हुई है जो कि किसी भी भारतीय सिनेमा में बहुत ज्यादा है। सबसे बड़ी ओपनिंग बाहुबली ने ओपनिंग डे पर लगभग 95% ऑक्यूपेंसी दिखाई थी जो कि किसी भी बॉलीवुड फिल्म से कहीं ज्यादा अधिक है। 2017 की सबसे बड़ी ओपनर बाहुबली 2 रईस के सारे रिकॉर्ड्स को बुरी तरह पछाड़ कर 2017 की सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म साबित हुई। सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म बाहुबली 2 ने ओपनिंग डे पर ही 121 करोड़ की कमाई कर ली थी सभी भाषाओं को मिलाकर, जो कि किसी भी भारतीय फिल्म से कहीं ज्यादा है। 2300 करोड़। बाहुबली 2 भारत की सबसे 2300 करोड़ कमाने वाली फिल्म है। सबसे बड़ी हिंदी डब ओपनिंग बाहुबली 2 की हिंदी डबिंग ने ओपनिंग डे पर 41 करोड़ की कमाई की जो कि किसी भी दूसरी भाषा की हिंदी डबेड फिल्म से ज्यादा है। सबसे बड़ी तेलुगु फिल्म ओपनिंग बाहुबली 2 सबसे बड़ी तेलुगु फिल्म भी ओपनर भी बन चुकी है। तेलुगु में फिल्म ने 53 करोड़ की कमाई की थी। तेलुगु, तमिल, मलयालम में सबसे बड़ी ओपनिंग तीन भाषाओं को मिलाकर फिल्म ने 80 करोड़ का कलेक्शन किया था। दूसरे दिन सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म, दूसरे दिन सभी भाषाओं को मिलाकर फिल्म ने 102 करोड़ की कमाई कर ली। ये एक ऐसा रिकॉर्ड है जो शायद ही कोई हिंदुस्तान में तोड़ सके। दूसरे दिन की सबसे ज्यादा कमाई, साल 2017 में दूसरे दिन सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म है बाहुबली 2। अमेरिका में भी टॉप 2 दिनों में अमेरिका में सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म थी बाहुबली। सबसे तेज 200 करोड़ 2 दिनों में 200 करोड़ कमाने वाली पहली फिल्म है बाहुबली 2। केरल में सबसे जल्दी 10 करोड़ सिर्फ केरल में ही सबसे जल्दी 10 करोड़ कमाने वाली फिल्म है बाहुबली। सबसे बड़े वीकेंड बाहुबली 2 पहले वीकेंड पर सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म भी बन चुकी है बाहुबली। 2017 की सबसे बड़ी वीकेंड साल 2017 की सबसे बड़ी वीकेंड देने वाली फिल्म बन चुकी है बाहुबली 2। 3 दिनों में सबसे ज्यादा बाहुबली 2 3 दिनों में सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म बन चुकी है 128 करोड़। सिंगल डे कमाई बाहुबली 2 सिंगल डे पर सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म भी बाहुबली ही है। रविवार को फिल्म ने 46 करोड़ की कमाई की थी। बाहुबली ने दक्षिण के फिल्म निर्माताओं के मन में लालच भर दिया था और ये है वो लालच। निर्देशक एस राजामौली की बहुप्रतिष्ठित फिल्म बाहुबली के 2 भागों ने कमाई के मामले में सभी भाषाओं में कई रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए थे और यही कारण है कि दक्षिण भारत में अब उस तरह की फिल्म बनाने के लिए सभी हाथ पैर मार रहे हैं। हालांकि ये एक क्षेत्रीय भाषा की फिल्म थी
लेकिन इस फिल्म को जिस भाषा में भी डब किया गया उस भाषा में इस फिल्म ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, जिसके बाद दक्षिण भारत के कई बड़े निर्माताओं और निर्देशकों को अन्य भाषा की विशेषकर हिंदी भाषी लोगों में दक्षिण के भारत की फिल्मों के प्रति कितना प्रेम है इस बात की जानकारी हो पाई, और जिसके चलते कई निर्माता निर्देशक उनकी फिल्म को बाहुबली के स्तर पर शूट कर भारत और विदेश में उसी स्तर पर रिलीज करने की तैयारी कर रहे हैं। हाल ही में रिलीज हुए फिल्म के KGF के ट्रेलर लॉन्च पर फिल्म के निर्देशक प्रशांत नील और अभिनेता यश दोनों का मानना था कि बाहुबली और SS राजामौली ने उन सब के लिए कमाई के नए द्वार खोल दिए हैं और उनमें भी हौसला आया है कि वो उनकी फिल्मों का स्तर बड़ा बनाकर लोगों के सामने लेकर आएं। कटप्पा सत्यराज अपनी कहानी सुनाना जारी रखता है कि किस प्रकार उसने बाहुबली प्रभास को मारा। कालके से जीतने के बाद महेशमती में अमरेंद्र बाहुबली को भविष्य का राजा और भल्लाल देव यानी कि राणा दग्गुबती को सेनापति घोषित कर दिया जाता है। राज्याभिषेक होने से पूर्व ही अमरेंद्र की मां शिवगामी रम्या कृष्णन उसके लिए दुल्हन की तलाश करने लगती है। वो अमरेंद्र और कटप्पा को कहती है कि साम्राज्य की स्थिति और उसके लोगों को समझने के लिए इसका दौरा करें। अमरेंद्र वो कुंतल साम्राज्य की राजकुमारी और उसके राजा की बहन देवसेना अनुष्का शेट्टी से प्यार हो जाता है। भल्लाल को पता चलता है कि अमरेंद्र को देवसेना से प्यार हो गया है। इसके बाद वो शिवगामी से कहता है कि वो देवसेना से शादी करना चाहता है। शिवगामी को इस बारे में पता नहीं होता कि देवसेना से अमरेंद्र प्यार करता है, इस कारण वो उसकी शादी देवसेना से कराने का वादा कर देती है। जब शिवगामी शादी का प्रस्ताव कुंतल राज्य को भेजता है तो दूत उस प्रस्ताव को इस प्रकार लिखता है जैसे किसी घमंडी व्यक्ति ने लिखा है। देवसेना इस शादी के प्रस्ताव को कड़े शब्दों के साथ मना कर देती है। जब शिवगामी को उसका उत्तर मिलता है तो वो क्रोध में देवसेना को बंदी बनाकर लाने का आदेश देती है। कुंतल साम्राज्य पर पिंजारियों का हमला हो जाता है। देवसेना के भाई की सहायता से अमरेंद्र उस हमले को विफल कर देता है और कुंतल को बचा लेता है। अमरेंद्र उसे कहता है कि वो कौन है और शिवगामी के क्रोध के भय को दूर करने और उसे अपनी दुल्हन बनने हेतु राजी करने की कोशिश करता है। जब वो महेशमती पहुंचता है तो उसे गलतफहमी का पता चलता है। शिवगामी उसे सिंहासन या देवसेना में से किसी एक को चुनने को बोलती है तो वो देवसेना को चुनता है। इस कारण भल्लाल वहां का राजा बना दिया जाता है और अमरेंद्र को सेनापति, पर फिर भी लोग उसे ही राजा मानते हैं। देवसेना की गोद भराई के लिए अमरेंद्र को भल्लाल ने सेनापति के कार्य से छुट्टी दे दी थी जिससे वो अपनी पत्नी के साथ रह सके। उसी समय देवसेना राजा भल्लाल के हेर फेर के खिलाफ बोलती है और शिवगामी के चुप रहने पर भी सवाल उठाती है। इस कारण झगड़ा शुरू हो जाता है और उन दोनों को महल से बाहर कर दिया जाता है। वो दोनों बाहर के लोगों के बीच खुशी से जिंदगी बिताने लगते हैं, पर भल्लाल फिर से शिवगामी को भड़काता है कि अमरेंद्र उसे मारना चाहता है और यह भी बोलता है कि उसने यदि सीधे कार्यवाही शुरू की तो गृह युद्ध भी शुरू हो सकता है। इस कारण शिवगामी उसकी सेवा करने वाले सेवक कटप्पा से बोलती है कि वो संकट में है और उसे अमरेंद्र को मारना है। शिवगामी के कहने पर कटप्पा ने अमरेंद्र की पीठ पर धोखे से हमला कर उसे मार दिया। फिर कटप्पा आकर शिवगामी को सूचित करता है कि अमरेंद्र बाहुबली की मौत हो गई है। देवसेना भी अपने बच्चे महेंद्र बाहुबली के साथ वहां आती है और उसे भी इस बारे में पता चलता है। शिवगामी महल के बाहर घबराई हुई भीड़ को बताती है कि अमरेंद्र मर चुका है और अब उसका पुत्र महेंद्र बाहुबली यानी कि प्रभास नया राजा होगा। इसके बाद भल्लाल उसके लोग मिलकर देवसेना उसके बच्चे को पकड़कर कारावास में डालने की कोशिश करते हैं। देवसेना अपने बच्चे को शिवगामी को सौंप देती है जो कि भागने में सफल रहती है, लेकिन देवसेना अपने आप को नहीं बचा पाती, उसे कैद कर लिया जाता है। 25 वर्ष बाद भल्लाल देव और अमरेंद्र बाहुबली के पुत्र महेंद्र बाहुबली में भयंकर युद्ध होता है और इस युद्ध में भल्लाल देव की पराजय होती है। महेंद्र बाहुबली का राज्याभिषेक होता है और महेशमती का नया राजा बन जाता है। तो दोस्तों, बाहुबली के आने वाली इन सीरीज में माता शिवगामी के पिछले जीवन को दिखाया जाएगा कि वो एक सामान्य स्त्री से महेशमती जैसे सिंहासन की रानी कैसे बनी, उनका ये सफर कैसा रहा, और इसके बाद बाहुबली के आगे की कहानी को भी दिखाया जाएगा। देश विदेशों में भारतीय सिनेमा का नया इतिहास रचने वाली फिल्म बाहुबली एक बार फिर वेब सीरीज के जरिए दर्शकों को एंटरटेन करने जा रही है।
नेटफ्लिक्स जल्द ही बाहुबली फिल्म का प्रीक्वल बाहुबली बिफोर द बिगनिंग लेकर आ रही है। इस प्रीक्वल का टीजर भी जारी हो गया है। नेटफ्लिक्स पर जारी होने वाली इस वेब सीरीज को 2 सीजन के जरिए दिखाया जाएगा। इस वेब सीरीज में बाहुबली की कहानी जहां से शुरू होती है उससे पहले क्या होता है ये दिखाया जाएगा। नेटफ्लिक्स की ये वेब सीरीज द राइज ऑफ शिवगामी नॉवल की कहानी पर बेस्ड होगा। इस प्रीक्वल के जारी टीजर में कोई नई झलक तो नहीं देखने को मिली, क्योंकि टीजर वीडियो से पहले रिलीज बाहुबली की दोनों फिल्मों में कुछ शॉट्स लिए गए हैं। इनमें बाहुबली और शिवगामी और महिष्मती साम्राज्य के कुछ सीन्स को शामिल किया गया है। इस प्रीक्वल में शिवगामी यानी राजमाता को आधार बनाकर बाहुबली से पहले महिष्मती साम्राज्य में क्या होता है उन घटनाओं को बताया जाएगा। नेटफ्लिक्स बाहुबली के पहले सीजन में 9 एपिसोड दिखाएगा। इसमें बताया जाएगा कि एक पूरा शहर कैसे साम्राज्य में तब्दील हुआ। इसके बाद इसका दूसरा सीजन भी रिलीज होगा। फिलहाल इसकी कास्टिंग और रिलीज डेट के बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आई है और न ही फिलहाल इसके जारी होने की कोई सूचना टीजर में दी गई है। दोस्तों ये बहुत ही सरप्राइजिंग है हमारे लिए। अब देखना ये है कि कब रिलीज डेट अनाउंसमेंट होती है। इसके लिए देखते रहें बॉलीवुड स्टूडियोज। आने वाले इंटरेस्टिंग फिल्मों के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स एंड नोटिफिकेशंस। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। बाहुबली के प्रीक्वल की कहानी क्या है? क्या बाहुबली की तरह एंटरटेनमेंट के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ पाएगी? कैसे बाहुबली ने दक्षिण के फिल्म निर्माताओं के मन में लालच भर दिया? भल्लाल देव और अमरेंद्र बाहुबली के पुत्र महेंद्र बाहुबली के बीच कितने सालों बाद युद्ध होता है? नमस्कार दोस्तों, मैं अवध और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बॉलीवुड स्टूडियोज की एक और नई अपडेट में। एक और बाहुबली तैयार। 2018 का सबसे बड़ा धमाका। इन दिनों बॉलीवुड की कई बड़ी फिल्मों को लेकर जबरदस्त चर्चा है। ऐसे में एक बार फिर से भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक बाहुबली सुर्खियों में है। इस फिल्म का प्रीक्वल बनने जा रहा है। हाल ही में प्रीक्वल की कास्ट भी फाइनल कर ली गई है। बाहुबली की ये प्रीक्वल डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी और ये डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा नेटफ्लिक्स। वहीं इस प्रीक्वल में एक दिलचस्प ट्विस्ट है जो दर्शकों के लिए वाकई हैरान कर देने वाला होगा। बाहुबली के प्रीक्वल सीरीज में रिलीज किया जाएगा और ये ट्विस्ट है कि इसमें बाहुबली के बजाय शिवगामी देवी की कहानी दिखाई जाएगी। ये सीरीज महिष्मती साम्राज्य की महारानी शिवगामी के जीवन पर आधारित होगी। बॉलीवुड में लव सोनिया जैसे स्ट्रॉन्ग फिल्म से डेब्यू करने वाली एक्ट्रेस मृणाल ठाकुर शिवगामी का किरदार निभाएंगी। स्कंददास के किरदार में राहुल बोस, अतुल कुलकर्णी, वकार शेख, समील खान, सिद्धार्थ अरोड़ा और अनूप सोनी भी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में होंगे। मेकर्स की माने तो ये कहानी फिल्म की कहानी से 50 साल पीछे की होगी। ये सीरीज फैंस को फिल्म के किरदारों के पास्ट में ले जाएगी जिसमें और भी नए किरदार जुड़ेंगे। बाहुबली जैसे ब्लॉकबस्टर फिल्म को लेकर ऐसा आइडिया काफी दिलचस्प मालूम होता है। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि क्या ये सीरीज बाहुबली जैसी सुपर डुपर हिट हो पाएगी? क्या बाहुबली की तरह एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के सारे रिकॉर्ड तोड़ पाएगी? तो चलिए इसी बात पर हम आपको आगे बताते हैं। बाहुबली द कंक्लूजन ने बनाए कितने ताबड़तोड़ रिकॉर्ड। सबसे ज्यादा स्क्रीन बाहुबली दुनिया भर में लगभग 9000 स्क्रीन पर रिलीज हुई है जो कि किसी भी भारतीय सिनेमा में बहुत ज्यादा है। सबसे बड़ी ओपनिंग बाहुबली ने ओपनिंग डे पर लगभग 95% ऑक्यूपेंसी दिखाई थी जो कि किसी भी बॉलीवुड फिल्म से कहीं ज्यादा अधिक है। 2017 की सबसे बड़ी ओपनर बाहुबली 2 रईस के सारे रिकॉर्ड्स को बुरी तरह पछाड़ कर 2017 की सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म साबित हुई। सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म बाहुबली 2 ने ओपनिंग डे पर ही 121 करोड़ की कमाई कर ली थी सभी भाषाओं को मिलाकर, जो कि किसी भी भारतीय फिल्म से कहीं ज्यादा है। 2300 करोड़
बाहुबली 2 भारत की सबसे तेज 100 करोड़ कमाने वाली फिल्म है। सबसे बड़ी हिंदी डब ओपनिंग बाहुबली 2 की हिंदी डबिंग ने ओपनिंग डे पर 41 करोड़ की कमाई की, जो कि किसी भी दूसरी भाषा की हिंदी डबेड फिल्म से ज्यादा है। सबसे बड़ी तेलुगु फिल्म ओपनिंग बाहुबली 2 सबसे बड़ी तेलुगु फिल्म भी ओपनर भी बन चुकी है। तेलुगु में फिल्म ने 53 करोड़ की कमाई की थी। तेलुगु, तमिल, मलयालम में सबसे बड़ी ओपनिंग 3 भाषाओं को मिलाकर फिल्म ने 80 करोड़ का कलेक्शन किया था। दूसरे दिन सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म, दूसरे दिन सभी भाषाओं को मिलाकर फिल्म ने 102 करोड़ की कमाई कर ली। ये एक ऐसा रिकॉर्ड है जो शायद ही कोई हिंदुस्तान में तोड़ सके। दूसरे दिन की सबसे ज्यादा कमाई, साल 2017 में दूसरे दिन सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म है बाहुबली 2। अमेरिका में भी टॉप 2 दिनों में अमेरिका में सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म थी बाहुबली। सबसे तेज 200 करोड़ 2 दिनों में 200 करोड़ कमाने वाली पहली फिल्म है बाहुबली 2। केरल में सबसे जल्दी 10 करोड़, सिर्फ केरल में ही सबसे जल्दी 10 करोड़ कमाने वाली फिल्म है बाहुबली। सबसे बड़े वीकेंड बाहुबली 2 पहले वीकेंड पर सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म भी बन चुकी है बाहुबली। 2017 की सबसे बड़ी वीकेंड साल 2017 की सबसे बड़ी वीकेंड देने वाली फिल्म बन चुकी है बाहुबली 2। तीन दिनों में सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म बन चुकी है 128 करोड़। सिंगल डे कमाई बाहुबली 2, सिंगल डे पर सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म भी बाहुबली ही है। रविवार को फिल्म ने 46 करोड़ की कमाई की थी। बाहुबली ने दक्षिण के फिल्म निर्माताओं के मन में लालच भर दिया था, और ये है वो लालच। निर्देशक एस राजामौली की बहुप्रतिष्ठित फिल्म बाहुबली के 2 भागों ने कमाई के मामले में सभी भाषाओं में कई रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए थे, और यही कारण है कि दक्षिण भारत में अब उस तरह की फिल्म बनाने के लिए सभी हाथ पैर मार रहे हैं। हालांकि ये एक क्षेत्रीय भाषा की फिल्म थी, लेकिन इस फिल्म को जिस भाषा में भी डब किया गया उस भाषा में इस फिल्म ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, जिसके बाद दक्षिण भारत के कई बड़े निर्माताओं और निर्देशकों को अन्य भाषा की, विशेषकर हिंदी भाषी लोगों में दक्षिण के भारत की फिल्मों के प्रति कितना प्रेम है इस बात की जानकारी हो पाई, और जिसके चलते कई निर्माता निर्देशक उनकी फिल्म को बाहुबली के स्तर पर शूट कर भारत और विदेश में उसी स्तर पर रिलीज करने की तैयारी कर रहे हैं। हाल ही में रिलीज हुए फिल्म के KGF के ट्रेलर लॉन्च पर फिल्म के निर्देशक प्रशांत नील और अभिनेता यश दोनों का मानना था कि बाहुबली और SS राजामौली ने उन सब के लिए कमाई के नए द्वार खोल दिए हैं, और उनमें भी हौसला आया है कि वो उनकी फिल्मों का स्तर बड़ा बनाकर लोगों के सामने लेकर आए, इससे वो सब ट्रेड सर्किट्स में मुनाफा कमा सकेंगे। फिल्म KGF 5 भाषाओं में रिलीज होगी और फिल्म 2 भागों में रिलीज होगी। फिल्म में 70 के दशक के अंदाज में पेश किया गया है। फिल्म को बनाने में पूरे 1000 दिन लगे हैं। हालांकि पूरी फिल्म की शूटिंग 150 से 200 दिनों में ही कर ली गई, लेकिन बाकी के दिन पोस्ट प्रोडक्शन और बाकी के तैयारी में लग गए। फिल्म KGF कोलारी के सोने की खान से जुड़ी कहानी है। ये फिल्म क्रिसमस के मौके पर 21 दिसंबर को रिलीज हो रही है। फिल्म की कहानी को अमिताभ बच्चन के एंग्री मैन की छवि की तरह दिखाया गया है। कटप्पा सत्यराज अपनी कहानी सुनाना जारी रखता है कि किस प्रकार उसने बाहुबली प्रभास को मारा। कालके से जीतने के बाद महेशमति में अमरेंद्र बाहुबली को भविष्य का राजा और भल्लाल देव यानी कि राणा दग्गुवती को सेनापति घोषित कर दिया जाता है। राज्याभिषेक होने से पूर्व ही अमरेंद्र की माँ शिवगामी रम्या कृष्णन उसके लिए दुल्हन की तलाश करने लगती है। वो अमरेंद्र और कटप्पा को कहती है कि साम्राज्य की स्थिति और उसके लोगों को समझने के लिए इसका दौरा करें। अमरेंद्र को कुंतल साम्राज्य की राजकुमारी और उसकी राजा की बहन देवसेना अनुष्का शेट्टी से प्यार हो जाता है। भल्लाल को पता चलता है कि अमरेंद्र को देवसेना से प्यार हो गया है। इसके बाद वो शिवगामी से कहता है कि वो देवसेना से शादी करना चाहता है। शिवगामी को इस बारे में पता नहीं होता कि देवसेना से अमरेंद्र प्यार करता है, इस कारण वो उसकी शादी देवसेना से कराने का वादा कर देती है। जब शिवगामी शादी का प्रस्ताव कुंतल राज्य को भेजता है तो दूत उस प्रस्ताव को इस प्रकार लिखता है जैसे किसी घमंडी व्यक्ति ने लिखा है। देवसेना इस शादी के प्रस्ताव को कड़े शब्दों के साथ मना कर देती है। जब शिवगामी को उसका उत्तर मिलता है
तो वो क्रोध में देवसेना को बंदी बनाकर लाने का आदेश देती है। कुंतल साम्राज्य पर पिंजारियों का हमला हो जाता है। देवसेना के भाई की सहायता से अमरेंद्र उस हमले को विफल कर देता है और कुंतल को बचा लेता है। अमरेंद्र उसे कहता है कि वो कौन है और शिवगामी के क्रोध के भय को दूर करने और उसे अपनी दुल्हन बनने हेतु राजी करने की कोशिश करता है। जब वो महेशमती पहुंचता है तो उसे गलतफहमी का पता चलता है। शिवगामी उसे सिंहासन या देवसेना में से किसी एक को चुनने को बोलती है तो वो देवसेना को चुनता है। इस कारण भल्लाल वहां का राजा बना दिया जाता है और अमरेंद्र को सेनापति, पर फिर भी लोग उसे ही राजा मानते हैं। देवसेना की गोद भराई के लिए अमरेंद्र को भल्लाल ने सेनापति के कार से छुट्टी दे दी थी जिससे वो अपनी पत्नी के साथ रह सके। उसी समय देवसेना राजा भल्लाल के हेर फेर के खिलाफ बोलती है और शिवगामी के चुप रहने पर भी सवाल उठाती है। इस कारण झगड़ा शुरू हो जाता है और उन दोनों को महल से बाहर कर दिया जाता है। वो दोनों बाहर के लोगों के बीच खुशी से जिंदगी बिताने लगते हैं, पर भल्लाल फिर से शिवगामी को भड़काता है कि अमरेंद्र उसे मारना चाहता है और यह भी बोलता है कि उसने यदि सीधे कार्यवाही शुरू की तो गृह युद्ध भी शुरू हो सकता है। इस कारण शिवगामी उसकी सेवा करने वाले सेवक कटप्पा से बोलती है कि वो संकट में है और उसे अमरेंद्र को मारना है। शिवगामी के कहने पर कटप्पा ने अमरेंद्र की पीठ पर धोखे से हमला कर उसे मार दिया। फिर कटप्पा आकर शिवगामी को सूचित करता है कि अमरेंद्र बाहुबली की मौत हो गई है। देवसेना भी अपने बच्चे महेंद्र बाहुबली के साथ वहां आती है और उसे भी इस बारे में पता चलता है। शिवगामी महल के बाहर घबराई हुई भीड़ को बताती है कि अमरेंद्र मर चुका है और अब उसका पुत्र महेंद्र बाहुबली यानी कि प्रभास नया राजा होगा। इसके बाद भल्लाल और उसके लोग मिलकर देवसेना उसके बच्चे को पकड़कर कारावास में डालने की कोशिश करते हैं। देवसेना अपने बच्चे को शिवगामी को सौंप देती है जो कि भागने में सफल रहती है, लेकिन देवसेना अपने आप को नहीं बचा पाती, उसे कैद कर लिया जाता है। 25 वर्ष बाद भल्लाल देव और अमरेंद्र बाहुबली के पुत्र महेंद्र बाहुबली में भयंकर युद्ध होता है और इस युद्ध में भल्लाल देव की पराजय होती है। महेंद्र बाहुबली का राज्याभिषेक होता है और महेशमती का नया राजा बन जाता है। तो दोस्तों, बाहुबली के आने वाली इन सीरीज में माता शिवगामी के पिछले जीवन को दिखाया जाएगा कि वो एक सामान्य स्त्री से महेशमती जैसे सिंहासन की रानी कैसे बनी, उनका ये सफर कैसा रहा, और इसके बाद बाहुबली के आगे की कहानी को भी दिखाया जाएगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि बाहुबली की ये सीरीज सारे रिकॉर्ड्स तोड़ पाएगी? क्या दर्शक उसी तरह से इसके लिए एक्साइटेड हैं जैसे कि बाहुबली के दूसरे पार्ट के लिए थे? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट एंड नोटिफिकेशंस। क्या बाहुबली 3 बनाई जा सकती है? बाहुबली 3 के लिए बॉलीवुड के किन किन सुपरस्टार को कास्ट किया जा सकता है? बाहुबली ने IPL को कैसे मात दी थी? मैं आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्राहक के फिल्मी गलियारे में। कुछ भी कहिए, लेकिन बॉलीवुड तो बॉलीवुड होता है और आपके बॉलीवुड कीड़े ने कभी ना कभी तो बाहुबली की बॉलीवुड स्टार कास्ट के बारे में सोचा होगा। वैसे फिल्मी गलियारों में आए दिन इस पर डिस्कशन होते ही रहते हैं और बाहुबली का सबसे दिलचस्प डिस्कशन होता है बाहुबली की बॉलीवुड स्टार कास्ट। अब सबसे पहला नाम होता है प्रभास और सलमान खान। हालांकि पहले की बात और थी, लेकिन अब सलमान बाहुबली के किरदार में कैसे लगेंगे पता नहीं। हालांकि लोगों का मानना है कि सलमान खान से बेहतर ऑप्शंस बॉलीवुड के पास बाहुबली रिमेक के लिए है। वैसे तो बाहुबली का बॉलीवुड रिमेक बनना ना के बराबर, लेकिन सोचिए कि वाकई अगर ऐसी कोई फिल्म बने तो कितनी शानदार होगी। प्रभास के किरदार के लिए तो हमारे पास कई ऑप्शंस हैं। वहीं जब बाहुबली रिलीज हुई तभी से लोगों ने इसकी बॉलीवुड स्टार कास्ट सोच ली थी। फिल्म में कैटरीना कैफ,
तब्बू से लेकर अभिषेक बच्चन तक को जगह मिली थी, लेकिन अब वक्त बदल चुका है और बॉलीवुड भी। हालांकि सुपरस्टार आज भी सलमान खान है और उन्हें लीड रोल से कोई नहीं हटा सकता। बाहुबली के साथ मिलकर वो 800 करोड़ का बॉक्स ऑफिस प्लान भी बना चुके हैं। वैसे तो यशस राजामौली 1000 करोड़ की महाभारत की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन वाकई वो चाहे तो इस स्टार कास्ट के साथ बाहुबली का रिमेक बना सकते हैं। अगर बाहुबली किरदार की बात करें तो ऋतिक रोशन, ऋतिक पौराणिक और पीरियड किरदार बड़े शानदार ढंग से निभाते हैं। एक तरफ जहां उन्होंने जोधा अकबर में कमाल किया, वहीं मोहन जोदड़ो कैसी भी फिल्म रही हो, लेकिन ऋतिक रोशन फिल्म में ठीक ठाक लग गए थे। वैसे भी उनकी फैन फॉलोइंग शानदार है, ऐसे में बाहुबली के किरदार में ऋतिक रोशन जान डाल देते। अगर आमिर खान को इस रोल के रूप में देखें तो उन्हें हर तरह के किरदार में देखा जा चुका है, लेकिन ऐसे कभी नहीं देखा गया। तो आमिर खान अगर बाहुबली का किरदार निभाते हैं तो कैसे लगते हैं, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। वैसे तो सलमान खान सुल्तान है, लेकिन जब से बाहुबली रिलीज हुई है तब से सबका यही मानना है कि सलमान को चाहे बॉलीवुड का बाहुबली कह लो या फिर प्रभास को साउथ का सुल्तान, दोनों एक ही बात है। वैसे भी वीर जैसी फिल्म में सलमान खान अपना पीरियड ड्रामा वाला जलवा दिखा चुके हैं। तमन्ना भाटिया वाला किरदार, श्रद्धा कपूर तमन्ना भाटिया की अवंतिका किरदार बाखूबी निभा लेंगी। एक तरफ बागी में उनके स्टंट्स तो लोगों ने देख ही लिए हैं, वहीं दूसरी तरफ श्रद्धा कामुक अंदाज में बेहद खूबसूरत लगेंगी। और बाहुबली के साथ उनके भीगे भीगे गाने, अनुष्का शेट्टी द्वारा निभाए गए रोल की बात करें तो लोगों का मानना है कि सोनाक्षी सिन्हा देवसेना के किरदार के लिए परफेक्ट होंगी, क्योंकि पहला तो वो ऋतिक रोशन के साथ रोमांस करती हुई शूट कर जाएंगी और फिर उम्र बढ़ने के किरदार में वो भी बाखूबी जमेगी। लेकिन कटप्पा का रोल कौन निभाएगा? अगर ध्यान से देखा जाए तो कटप्पा के रोल के लिए नसरुद्दीन शाह फिल्म का सबसे अहम किरदार, जिस पर पूरे देश की नजरें हैं। आखिर उसने बाहुबली को क्यों मारा, ये नसरुद्दीन शाह बड़े अच्छे से समझा लेंगे। के बाद आता है एक महत्वपूर्ण करेक्टर शिवगामी। शिवगामी के करेक्टर के लिए विद्या बालन से बेहतर कोई और चॉइस नहीं हो सकती है। वैसे अगर वो ये किरदार नहीं निभाती है तो ऑप्शंस में हमारे पास हैं। अगर बिज्जल देव के करेक्टर की बात करें तो इस रोल को अनुपम खेर बहुत संजीदगी के साथ निभा सकते हैं। उनमें नेगेटिव, पॉजिटिव और ग्रे हर तरह का शेड दिखाई दे जाएगा। कालके असुरों के राजा कालके की भूमिका में नवाजुद्दीन सिद्दीकी बेहतरीन लगेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको भी बाहुबली की कास्ट के कुछ आइडिया हो तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। राजामौली स्टारर बाहुबली को आज रिलीज हुए पूरे 2 साल हो गए और इन 2 सालों में भी फिल्म की यादें आज तक ताजा हैं। चाहे वो प्रभास का किरदार अमरेंद्र बाहुबली हो या फिर राणा दग्गुबाती का किरदार भल्लाल देव, फिल्म के 2 साल पूरे होने की खुशी में फिल्म के ट्विटर हैंडल से एक शानदार ट्वीट किया गया था। बाहुबली को पूरा हुए 2 साल हो चुके हैं। फिल्म ने न केवल शानदार रिकॉर्ड बनाए थे बल्कि भारतीय सिनेमा के स्टैंडर्ड से शानदार कीर्तिमान और उदाहरण भी लिखे। सभी को धन्यवाद इस फिल्म को इतना प्यार देने के लिए। वैसे हिंदी सिनेमा में भी बाहुबली ने काफी मिथक तोड़ी थी। फिल्मों के लिए आईपीएल सीजन ठंडा माना जाता है और इस दौरान लोग मैच देखना पसंद करते हैं, फिल्में नहीं। लेकिन बाहुबली ने साबित किया कि लोग फिल्में भी देखते हैं और ताबड़तोड़ देखते हैं, बशर्ते फिल्में देखने लायक हो तो। बाहुबली को फेस्टिवल के बिना रिलीज किया गया था। अक्सर देखा गया है सलमान खान की ईद और शाहरुख खान की दिवाली, आमिर खान का क्रिसमस और जो बचे वो अक्षय कुमार ऋतिक रोशन का। इन सब चक्कर में पड़कर फिल्में नहीं कमाती हैं, ये बाहुबली ने दिखा दिया। एक मिथ, स्टारडम से कमाती हैं फिल्में। फिल्म जब तक कोई बड़ा स्टार नहीं होगा तब तक फिल्म नहीं कमाएगी, ऐसा नहीं होता है। बाहुबली में तमन्ना छोड़कर किसी को लोग नहीं जानते थे, बल्कि राजामौली भी चाहते थे कि फिल्म में पहचाने हुए चेहरे हो, जैसे ऋतिक रोशन, जॉन इब्राहिम, पर ऐसा नहीं हो पाया और शायद अच्छा ही हुआ। के बात करते हैं प्रमोशन से। प्रमोशन के बिना भी होता है गुजारा,
शाहरुख खान रेल से रईस का प्रमोशन कर रहे थे, तो अभिषेक बच्चन एक ही दिन में 10 शहर जाकर अपनी फिल्में प्रमोट किए। इतने ज़्यादा प्रमोशन से कुछ नहीं होता, बिना प्रमोशन भी फिल्में चल जाती हैं अगर ढंग से प्लान किया जाए तो। कंटेंट होता है बॉक्स ऑफिस का बाप। केवल एक स्टार को लेकर गाने डालकर एक आइटम नंबर और थोड़ा सा रोमांस फिल्म के लिए काफी नहीं होता। फिल्म को कंटेंट चाहिए तब जाकर वो बॉक्स ऑफिस पर टिकती है। बिना आइटम सॉन्ग के भी फिल्म हिट होती है, ये तो बॉलीवुड जरूर सीख ले। स्क्रीन से नहीं दर्शकों से होती है कमाई। हर स्टार अपनी रिलीज की स्क्रीन बढ़ाता जाता है। जैसे अगर बजरंगी 4000 स्क्रीन पर रिलीज हुई तो सुल्तान 5000, लेकिन इससे कुछ नहीं होता। उम्र से नहीं बनता हीरो, हीरो और रोमांस उम्र देखकर किया जाना चाहिए, वरना कितना भी सुपरस्टार हो दर्शक उसे नकार ही देंगे। फटाफट नहीं बन जाती फिल्में। बाहुबली 5 साल में बनी। यहाँ प्रेम रतन धन पायो का शेड्यूल जरा सा खींचा था कि आफत हो गई थी। हमारे यहाँ 40 दिन में फिल्म निपटा लेने की परंपरा है, क्योंकि कई स्टार्स की फीस भी हर दिन के हिसाब से होती है। ऐसे में अच्छी फिल्में कहाँ से बनेंगी? जो टिकता है वो बिकता है, जो बॉक्स ऑफिस पर 10 दिन तक टिका रहा वही बिका। यहाँ पर उल्टा होता है, शुरू के 3 दिन फिल्म ने जितना कमा लिया वही फिल्म की जमा पूंजी होती है। क्लास वाली फिल्में, कुछ फिल्में एक क्लास के लिए होती है, ऐसा कुछ नहीं होता। अच्छी फिल्में हर दर्शक वक्त देखना चाहता है। 3 दिन में 100 करोड़, अगर फिल्म ने 3 दिन में 100 करोड़ कमा लिया तो वो ब्लॉकबस्टर है। यहाँ बाहुबली ने 4 दिन तक लगातार 100 करोड़ कमाया। डायरेक्टर वो ही जो हीरो मन भाए। हमारे यहाँ एक्टर अपना डायरेक्टर ढूंढ लेता है, जैसे कि सलमान ने टाइगर सीक्वल के लिए अपने सुल्तान डायरेक्टर को फाइनल कर लिया, जबकि एक था टाइगर कबीर खान की कहानी है जो दिमाग से काफी सक्षम है और जो मानते हैं कि सीक्वल ऐसे हवा में नहीं बन जाते। एक फिल्म का हवा, किसी फिल्म का इतना हवा नहीं बनाना चाहिए कि उसकी हवा निकल जाए, जैसे कि हीरो रिमेक को सलमान ने प्रमोट कर के फिल्म की जान निकाल दी। सीक्वल मतलब सीक्वल भैया, सीधी सी बात है, सीक्वल मतलब सीक्वल होता है और वो कायदे से प्लान बनाने के बाद ही बनाया जाता है। बाहुबली 2 ने बॉलीवुड के उन सभी ठोस नियम की ऐसी की तैसी कर दी थी। वो नियम जो थे तो फर्जी, पर जिनका पालन बॉलीवुड हाथ पैर धोकर करता था। फिल्म चल जाए या ना चले, इन नियमों को बदलने की कोशिश किसी ने नहीं की, लेकिन बाहुबली 2 ने एक एक दिन एक एक नियम की धज्जियां उड़ा दी और बॉलीवुड को सोचने की जरूरत पड़ गई कि क्या वाकई ये नियम किसी काम के थे। धीरे धीरे बॉलीवुड में अब ये सारे नियम बदले जा रहे हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप हमें कमेंट करके बताइए क्या आप बाहुबली 3 का रिमेक करवाना चाहते हैं या नहीं, या फिर नए सिरे से बाहुबली 3 की कहानी का आप इंतजार कर रहे हैं। हम आपके प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए बहुत उत्सुक हैं। क्या राजा मौली बना रहे हैं बाहुबली 3? कैसी होगी बाहुबली 3 की कहानी? बाहुबली 2 फिल्म में वो कौन सी गलतियां हैं जिन पर आपकी नजर नहीं गई? आपका स्वागत करते हैं बॉलीग्राड के फिल्मी गलियारे में। बाहुबली एक ऐसी फिल्म बन गई है जिसकी कमाई के आगे किसी भी फिल्म के टिकने की कोई गुंजाइश नहीं। वो बाहुबली की कहानी हो या फिर इसका स्टार कास्ट, इसने लोगों को अपना दीवाना बना दिया। बाहुबली इकलौती ऐसी फिल्म है जिसने रिलीज से पहले और रिलीज के बाद कई रिकॉर्ड्स अपने नाम किए। बाहुबली के निर्देशक ने घोषणा की है कि भले ही बाहुबली की कहानी बड़े पर्दे पर खत्म हो जाए, पर इसकी दुनिया का कभी अंत नहीं होगा। ये होगी बाहुबली 3 की कहानी। बताया जा रहा है कि बाहुबली के बाद अब बाहुबली 3 भी बनने जा रही। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि फिल्मी गलियारों में ऐसी खबर आ रही है और ऐसा कहा जा रहा है कि बाहुबली 3 बनने का ऐलान खुद राजा मौली ने ट्विटर पर किया है और सोशल मीडिया पर ऐसा वीडियो भी पोस्ट किया गया है। और वीडियो में बताया गया है कि राजा मौली बाहुबली के तीसरे भाग में अमरेंद्र बाहुबली, शिवगामी और भल्लाल देव के पिता किचल देव की कहानी को फिल्माएंगे। ये फिल्म बाहुबली सीरीज का प्रीक्वल होगी।
जिसमें बाहुबली के जन्म से पहले की कहानी बताई जाएगी। इंटरव्यू के दौरान राजा वरुण ने इस बारे में बात करते हुए कहा था कि बाहुबली की कहानी को और नहीं खींचा जाएगा। उनके मुताबिक बाहुबली 3 की कहानी को नए सिरे से बनाने के बारे में सोचा जा रहा है। इसके अलावा बाहुबली के तीसरे भाग में प्रभास होंगे या फिर किसी नए चेहरे को कास्ट किया जाएगा, इसके बारे में एसएस राजामौली ने कुछ नहीं कहा। बाहुबली 2 फिल्म आई, ये भी पता लग गया कि बाहुबली को कटप्पा ने मिस कॉल का जवाब न देने पर मारा। बाहुबली से जुड़ी छोटी से छोटी डिटेल अब आपके पास है। कालके के बेटे का असल जिंदगी में किस स्कूल में एडमिशन हुआ है से लेकर ये तक पता है कि तमन्ना सेट पर दही जलेबी में नींबू निचोड़कर खाती थी। ये इस फिल्म में जनता के इंटरेस्ट की हद है। साड़ी तक आ गई है बाहुबली प्रिंट की। और तो और, बांग्लादेश से 40 जने फिल्म देखने इंडिया आए चार्टर प्लेन से, तो समझ रहे हैं ना आप, रेरा खिंचा है फिल्म का, कमाई का तो पूछो नहीं। अब ऐसे में लोग आगे आए हैं फिल्म की गलतियां लेकर। YouTube से लेकर सोशल मीडिया तक फिल्म में जो गलतियां और खामियां हैं या नहीं है वो बताई जा रही है। देखिए बताया गया, सोता हुआ जूनियर आर्टिस्ट ट्रेलर में भी आपने ये सीन देखा होगा। तीसरी चौथी लाइन में खड़े एक आदमी की आंखें दिखाकर कहा जा रहा है कि शूटिंग के वक्त ये आदमी सो गया, ये बड़ा फर्जी फैक्ट। किसी एक फ्रेम में उसकी आंख बंद हो गई तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सो रहा। आप उसके आगे पीछे के पलों को देखिए, वो बाकायदा खड़ा है और जाग रहा है। गदा पड़ने से पहले ही फर्श टूट गई। ये क्लाइमेक्स का सीन है जहां बाहुबली के बेटे और भल्लाल की लड़ाई हो रही है। दिखाया ये गया कि भल्लाल अपनी गदा से उसे मार रहा था और उसके जोर से फर्श तक टूट गया, लेकिन इफेक्ट लगाने में गलती हो गई और गदा पड़ने से पहले ही फर्श टूट गया। ये सही गलती पकड़ी गई है, लेकिन फिल्म देखते वक्त आप उत्तेजना और तेजी में ये चीज मिस कर देते हैं। तीसरी गलती, एक वार से 4 आदमी उड़ गए बिना चोट खाए ही। एक सीन में जंगल में एक पालकी गुजरती है, डाकू उसे लूटने को होते हैं, लेकिन अंदर से देवसेना निकल आती है और डाकुओं को चित कर देती है। लड़ाई करते हुए वो तलवार चलाती है और डाकू ये जा वो जा के हाल में उड़ने लगते। लेकिन सीन देखा जाए तो पता लगता है कि बिना तलवार छुए ही 3 डाकू उड़ लिए थे। ये तो दोस्त कुछ भी था, इतना तो कर लेते कि सबको एक एक रत्ती तलवार छुआ देते। चौथी गलती, डेड बॉडी कहाँ गई? दोस्त फिल्म देखा, इसके बारे में कहा गया है कि जब कटप्पा ने बाहुबली को तलवार मारी तो वहाँ 3 और 1 डेड बॉडी पड़ी थी, पर अगले ही सीन में वो कहाँ गई? ये फालतू का मीन मेक निकालना है। जाओ पिक्चर देख के आओ। अरे एक बार पिक्चर तो देख लो यार, ट्रेलर में 2 सीन के बाल की खाल ना निकालो। इन 2 सीन के बीच में भी बहुत कुछ होता है और बाहुबली आगे जाकर पत्थर पर बैठ जाता है। फ्रेम अलग है, कैमरा एंगल अलग है, सीन ही अलग है, तो तुम्हारे लिए डेड बॉडी क्या काल के लेके आएगा? कोई गलती, बिना पूछ के तीर। तीर के 2 हिस्से होते हैं, एक नोक दूसरा पिछला सिरा। एक वीडियो में दावा किया गया है कि इस सीन में तीर का पिछला सिरा गायब है। यार प्लीज कुछ सलीके का लाओ। फिर से वही एक फ्रेम देख के बात कह दी, वो जिस एंगल से तीर आ रहा है नहीं दिख रहा है पिछला सिरा, बाकी अगल बगल 1000 तीर है, सब में पूछ दिख रही है। लोग इतने बुद्धू भी नहीं है कि जिस तीर को दिखा रहे हैं उसमें ही गलती कर दे। गलती, भद्रा की माँ कौन थी? देवसेना, शिवगामी, अवंतिका, इन सब को हमने जाना, लेकिन एक महिला और होनी थी, भल्लाल की बीबी। आपको भद्रा याद है ना? अरे वो जिसका गला शिवा यानी बाहुबली का बेटा पिछली जन्म में ही काट लेता है, उसकी माँ कौन थी? इस फिल्म में भी देवसेना और भल्लाल की पूरी नफरत दिखाई गई, लेकिन ये जिक्र तक नहीं आया है कि भल्लाल की शादी किससे हुई, बाहुबली को कटप्पा ने क्यों मारा के बाद यही सवाल तो इस बार नया जोक बना है कि भल्लाल की बीवी आखिर थी कौन। ये इस बार का बड़ा लोच है। ज्यादा नहीं बताएंगे, लेकिन ढाल का फिल्म में बहुत सही यूज हुआ है, लेकिन अभी देखिए इस बड़ी सी ढाल में पकड़ने का तो हत्था ही नहीं है जो कि दूसरे सीन में दिखता है। ये एक मजेदार भूल। 9, ये सीन कहीं देखा है? कुछ लोग फेसबुक पर ये दावा कर रहे हैं कि ये सीन कहीं देखा हुआ या कॉपी किया गया है। दरअसल ये सीन ट्रेलर में तीरों के एक सीक्वेंस के साथ आता है, जिसकी वजह से कैप्टन अमेरिका सिविल वार का वो सीन बरबस ही याद आता है जिसमें एंटमैन हॉकआई के तीर पर सवारी करता है। माने ये सीन कहीं से कॉपी नहीं किया गया, बस एक सा होने के कारण थोड़ा उस जैसा लगता है। पॉइंट, कहाँ है बेई? अरे यार, हम बोलते बोलते और आप सुनते सुनते ये भी भूल गए, 7 नंबर पर कुछ है ही नहीं यार। तो आप हमें कमेंट करके ये बताइए, क्या बाहुबली 3 बननी चाहिए या नहीं।
तो लगता है एसएस राजामौली को बाहुबली 3 बनानी चाहिए, क्योंकि ऐसी फिल्में अगर भारत में बनती हैं तो हमारा भारतीय सिनेमा विश्व स्तर पर आराम से अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकता है। आज के लिए बस इतना ही। बाहुबली को बॉलीवुड कल्ट फिल्मों में क्यों शामिल किया गया है? हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर रमेंद्र चक्रवर्ती आप सभी का स्वागत करता हूं बॉलीग्राड के गलियारे में। आज मैं बात करने जा रहा हूं एसएस राजामौली की फिल्म बाहुबली के बारे में। जब भी बाहुबली का जिक्र होता है, भारतीय सिनेमा का रास्ता हॉलीवुड की ओर साफ दिखाई देता है, क्योंकि एसएस राजामौली एक ऐसे निर्माता और निर्देशक थे जिन्होंने हॉलीवुड की ओर एक रास्ता बनाया है अपने इस फिल्म के माध्यम से। क्योंकि इस फिल्म में बहुत सारी ऐसी बातें थी जो लोगों को प्रेरित करती हैं हॉलीवुड लेवल की फिल्में बनाने के लिए, चाहे इस फिल्म के पात्र को लिया जाए, चाहे इस फिल्म की स्टोरी को लिया जाए, या इस फिल्म के बेफेक्स को लिया जाए। ये सारी बातें जो थी वो सब हॉलीवुड फिल्मों में आप आसानी से देख सकते हैं। अगर हम बाहुबली की स्टोरी की बात करते हैं तो जो बाहुबली की स्टोरी थी वो हमारे महाकाव्य रामायण और महाभारत से प्रेरित थी, और बाहुबली के जो पात्र भी थे वो सारे पात्र रामायण और महाभारत से ही लिए गए थे। अगर सबसे पहले हम बात करते हैं कि बाहुबली का जो लीड हीरो यानी कि अमरेद बाहुबली को रामायण के राम से क्यों प्रेरित किया गया था। बेसिकली अगर आप चारों तरफ देखते हैं तो हमारे देश का जो सामाजिक परिदृश्य है वो बदल रहा है, सत्ताएं टूट रही, सामाजिक विसंगतियां आ गई। तो क्योंकि सिनेमा जो होता है वो समाज का आईना होता है, और सिनेमा के माध्यम से बहुत सारे निर्देशक ये समझाने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से समाज को एक दिशा दी जा सके। रामायण में का भी पाठ जो है राम के माध्यम से ये दिखाने की कोशिश की गई थी कि हमारा भारतीय समाज कैसा होना चाहिए, एक आदर्शवादी। रामायण में ये दिखाने की कोशिश की गई थी कि एक बेटा अपने बाप का कहना कितना मानता है, और बाहुबली में ये दिखाने की कोशिश की गई है कि एक बेटा अपने मां का कितना कहना मानता है। दोनों चीजें एक ही है, बस समय बदला है, क्योंकि उस समय की जो सत्ता थी वो पुरुषों के हाथ में थी, और आज की जो सत्ता है, क्योंकि हर कोई चाहता है, नारी आंदोलन को एक प्रकार से सम्मान देना चाहता है, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करता है। तो बाहुबली फिल्म में एसएस राजामौली ने एक वुमेन एम्पावरमेंट की बात की थी, और दिखाने का भी कोशिश किया गया है कि एक वूमेन किस प्रकार से पुरुष को कहां से कहां पहुंचा देती है। हां, क्योंकि राज सत्ता की कहानी थी इसलिए थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं पर उसे निरंकुश दिखाया गया है। अब अगर इसमें दूसरे पात्र की बात किया जाए कि महाभारत का जो शकुनी था और इस बाहुबली का जो खलनायक था, दोनों में समानताएं थी, उस पात्र से प्रेरित, और महाभारत का जो भीष्म था और ये बाहुबली का जो कटप्पा था, दोनों में समानताएं। उधर महाभारत का भीष्म पूरा जीवन सिंहासन की रक्षा करते हुए बिना शादी किए हुए अपना संपूर्ण जीवन न्यौछावर कर देता है, इधर बाहुबली का कटप्पा भी बिना शादी किए हुए अपना सब कुछ राजमाता के लिए, बाहुबली के लिए सब कुछ नौछौर कर देता है। बस आज की तारीख में बाहुबली को प्रेजेंट किया गया था कि जिससे दर्शक वर्ग अपने आप को कनेक्ट कर सके। और अगर बात की जाए कि बाहुबली की पटकथा इतनी अच्छी क्यों है,
क्योंकि जब तक किसी फिल्म की पटकथा अच्छी नहीं होगी तब तक आप किसी अच्छे सिनेमा का निर्माण कर ही नहीं सकते। खास करके SS राजामौली ने इस फिल्म की पटकथा लिखने में बहुत समय लिया था। आखिरकार बाहुबली जो फिल्म है वो आज के समय की जो फिल्में हैं उनसे अलग क्यों मानी जाती है? मेन कारण था कि इस फिल्म का जो स्क्रीन प्ले SS राजामौली और उनके पिता दोनों ने मिलकर के लिखी थी। क्योंकि जब किसी फिल्म का स्क्रीन प्ले बहुत अच्छा होता है तो निर्देशक के लिए बहुत अच्छा हो जाता है उस फिल्म की कहानी को सूट करना। और सबसे बड़ी बात क्या थी इस फिल्म का कॉन्सेप्ट, क्योंकि भारतीय जो समाज है वो आज भी अपने उस परिवार में ही जिंदा रहना चाहता है, बेसिकली अपनी एक कम्युनिटी में जीता है। इस फिल्म में भी एक कम्युनिटी के जरिए ही उस चीज को दिखाने की कोशिश की गई। बेसिकली जो बाहुबली है वो बाहुबली को इसमें सिर्फ एक राजा के रूप में नहीं दिखाया गया, इस प्रकार से दिखाया गया है कि जो बाहुबली है वो एक पूजनीय हो। यही कारण था कि जब फिल्म का निर्माण हो रहा था तो जैन भिक्षु जो थे उस बाहुबली शब्द से उनको एतराज था कि बाहुबली शब्द क्यों यूज किया गया है। तब SS राजामौली ने अपने एक साक्षात्कार में इसकी सफाई दी थी कि हम बाहुबली शब्द जो यूज कर रहे हैं वो सिर्फ एक शब्द नहीं होगा बल्कि उसका अपना एक सम्मान होगा और वो पूजनीय होगा। तब कहीं जाकर के जैन भिक्षुओं ने इसकी इजाजत दी थी। और जो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर भारतीय समाज के इतिहास के पन्नों को आप उठा करके देखते हैं तो हमेशा जो राज सत्ता है वो परिवार के क्लेश से उपजी हुई है कि किस प्रकार से भाई भाई का वध करता है। और यही चीज आपको बाहुबली में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। जब आप बाहुबली सिनेमा देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये सारी जो घटनाएं हैं ना वो आपके आसपास घटित होती है। किस प्रकार से एक भाई दूसरे भाई से द्वेष करता है, किस प्रकार से एक माँ उसके दोनों बेटे हैं लेकिन एक को ज्यादा प्यार करती है एक को कम प्यार करती है, लेकिन माँ के लिए तो दोनों बेटे बराबर है। लेकिन बेसिकली ये सारी चीजें जो है हमारे रीत रिवाज और परंपरा में विद्यमान है उन्हीं को देखी देखा हर आदमी उसी प्रकार से अपने आप को ढाल लेता है। और सबसे अच्छी बात यह थी कि इसमें जो प्रेम प्रसंग दिखाया गया है, एक ऐसी नारी को दिखाया गया है कि वो नारी कहती है कि हमारी खुद की अपनी एक आइडेंटिटी है, हम किसी ऐसे इंसान से शादी नहीं करेंगे जिसकी मां चाहती हो उसके लिए कि मतलब उठा करके लाओ और हमारे बेटे के साथ शादी करो। उसने उस चीज को नकार दिया है। और दूसरा इस फिल्म का जो बहुत मेन पहलू है कि उन प्रसंगों को, जिन प्रसंगों की बात हमारे भगवान श्री कृष्ण जी करते हैं कि किस प्रकार से प्रेम किया जाए, उस प्रेम की प्रकाष्ठा को किस प्रकार से प्रदर्शित किया जाए, इस फिल्म में भी दिखाया गया। अक्सर जो कि हमारे भारतीय सिनेमा में दिखाया जाता है कि एक गरीब इंसान एक अमीर कन्या से कैसे प्यार करता है, उसी चीज को इसमें भी कॉपी पेस्ट किया गया। इस फिल्म का जो नायक है जब रानी से प्यार करता है तो उसे पता नहीं होता है उस रानी को कि ये जो नायक है, ये जो अमरेंद्र है, वो किसी देश का राजकुमार नहीं है। ये बाद में खुलता है राज, और जो कि आज की भी कहानियों में सारी चीजें विद्यमान है। यह सिर्फ इसलिए डाला गया है कि फिल्म में थोड़ी सी रोचकता बनी रहे। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस फिल्म में जिन जिन हथियारों को इस्तेमाल किया गया है उन सारे हथियारों का निर्माण SS राजामौली ने अपने संरक्षण में स्वयं करवाया था, क्योंकि इससे पहले ऐसे हथियारों का इस्तेमाल किसी भी फिल्म में नहीं किया गया था। तो कह सकते हैं कि सिनेमा का जो क्राफ्ट होता है वो आपको इस फिल्म में देखने को मिलता है कि किसी भी फिल्म का क्राफ्ट कैसे होना चाहिए। क्योंकि एक निर्देशक की जो सोच होती है ना वो सिनेमा में दिखाई देती है। जैसे कि अगर आप बात करते हैं कि इससे पहले बाहुबली से पहले कौन सी भव्य फिल्म थी, तो बाहुबली से पहले हमारे हिंदी सिनेमा में शोले को सबसे बड़ी भव्य फिल्म माना जाता है, जिसकी स्क्रिप्ट लिखी थी सलीम जावेद,
क्योंकि उस फिल्म को भी एक कल्ट फिल्म ही कहा जाता है, क्योंकि उसका चाहे वो खलनायक हो। अगर हम शोले से और बाहुबली को कंपेरिजन करें तो दोनों में कहीं ना कहीं समानता स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, क्योंकि उस फिल्म की जो पृष्ठभूमि थी एक डकैत पर थी। इस फिल्म की जो पृष्ठभूमि है वो भी एक डकैत है जो राज को हड़पना चाहता है। बस अंतर थोड़ा सा ये है कि जो शोले की स्टोरी थी वो किसी महाकथा से प्रेरित नहीं थी, लेकिन बाहुबली की जो स्टोरी है वो एक महाकथा से प्रेरित थी। जिस प्रकार से शोले में एक डकैत को बहुत बड़ा पावरफुल दिखाया गया है, उसी प्रकार से बाहुबली में भी इस फिल्म के खलनायक को बहुत पावरफुल दिखाया गया है। चलिए हम अब बात करते हैं कि इस फिल्म का संगीत, इस फिल्म का जो संगीत था वो लाजवाब है। आज भी जब भी बाहुबली का संगीत कहीं किसी रेडियो या किसी मोबाइल पर बजता है तो मन करता है बस यहीं रुक जाए और सुने, फिर आगे अपने कदमों को बढ़ाए, क्योंकि बाहुबली का संगीत जो है ना इतना मधुर है कि कानों को बहुत प्रिय लगता है। कोई भी संगीत हो, चाहे उसका बैकग्राउंड संगीत हो या मेन संगीत हो, हर संगीत उसका अच्छा है। क्योंकि अगर इसमें जो बार बार जो गाना बजता है कि जियो रे जियो बाहुबली, वो अपने आप में इतना पावरफुल है कि हर आदमी के अंदर एक ऊर्जा पैदा कर देता है। ज्यादातर मैंने देखा है कि लोगों ने जब भी इस गाने को बजाया है और जिन जिन के कानों पर यह गाना सुनाई दिया है, वो उनके अंदर की जो अंतरात्मा है वो अपने आप में प्रफुल्लित हो जाती है। और खास करके इसका संगीत पक्ष इसलिए अच्छा है कि जब आप इसके गानों को ध्यान से सुनेंगे तो एक एक इंस्ट्रूमेंट्स की आवाज आपको साफ सुनाई देगी। इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक कैसे प्रयोग जरूर किया गया है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक जो इंस्ट्रूमेंट म्यूजिक है उस पर कहीं से भी हावी होता दिखाई नहीं देता, जो कि अगर आज के जमाने में अगर आप संगीत पर ध्यान दें कि हमारे भारतीय सिनेमा का संगीत कैसा है, तो उसमें बस खाली बस आवाजें सुनाई देती हैं। खास करके उसका मेन कारण है कि ऐसा संगीत क्यों हो गया है। ऐसा संगीत इसलिए हो गया है कि हमारा जो यूथ है वो सब मैगी बॉय है, उसको सब कुछ रेडीमेड चाहिए, मेहनत नहीं करना चाहता। लेकिन SS राजामौली ने इस फिल्म के माध्यम से यह दिखाने की कोशिश की गई है कि अगर आपके जीवन में सब कुछ रेडीमेड हो जाएगा तो अच्छा नहीं होगा, बल्कि आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए अगर सिनेमा के पक्ष को देखें कि कौन सा सिनेमा का पक्ष सबसे ज्यादा मजबूत होता है, तो उसकी बात होती है स्टोरी की। बाहुबली की स्टोरी बहुत ही अच्छी थी, चाहे आप पहला पार्ट देखिए चाहे आप दूसरा पार्ट देखिए। खास करके जब बाहुबली का पहला पार्ट खत्म होता है तो उसमें एक प्रश्न आता है कि कटप्पा ने बाहुबली को आखिर क्यों मारा। ये लोगों को एक साल तक परेशान करता रहा कि जो शख्स अपनी बाहों में जिस बच्चे को पालता हो और खिलाया हो, सिखाया हो, पढ़ाया हो, हथियार चलाना सिखाया हो, और फिर उसने अपने ही हाथों से उसका कत्ल कर दिया, थी बहुत हैरानी वाली बात। लेकिन जैसे ही दूसरा पार्ट रिलीज होता है, सारे सवालों के जवाब अपने आप लोगों को मिलने लगते हैं कि आदर्श, क्योंकि हमारा भारतीय समाज हमेशा आदर्श की बात करता है, हमेशा आदर्शवादी समाज ढूंढता है। लेकिन दोस्तों, जब भी किसी आइडियल की बात की जाती है, वहां पर निरंकुशता अपने आप आ जाती है। क्योंकि कटप्पा ने बाहुबली को इसलिए मारा था क्योंकि राजमाता को लगने लगा था कि कहीं ना कहीं बाहुबली की वजह से समाज में कुछ विसंगतियां आ जाएंगी, जिससे कि राज सत्ता पर कुछ ना कुछ दुष्प्रभाव पड़ेगा। और उसका मेन कारण था षड्यंत्र, जैसा कि समाज में होता है, षड्यंत्र का शिकार तो हर कोई हो जाता है। राम भी हो गए थे षड्यंत्र का शिकार, राम ने भी धोबी के कहने पर सीता का परित्याग कर दिया था। और इसमें भी सेम कहानी को और सेम सीन को रिपीट किया गया। बाहुबली ने भी घर छोड़ दिया था,
परित्याग कर दिया था माता का। और उसी प्रकार से जैसे कि आप महाभारत में देखते हैं कि द्रौपदी का चीरहरण होता है, उस सीन को भी यहां पर कॉपी पेस्ट कर दिया गया। यहां पर मंदिर में छेड़ी जाती है महारानी साहिबा, और उसका बदला लेने के लिए अमरेंद्र साहब को गुस्सा आ जाता है और जाके उसका धड़ काट देते हैं। उसी प्रकार से महाभारत में भी भीम पहुंचते हैं और उसके सीने को चीर करके और उसका खून पी जाते हैं। चीजें सब कुछ वही थी, बस प्रस्तुति करने का तरीका अलग था कि आज का समाज और आज का यूथ उससे कनेक्ट कैसा। मैं तो बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं SS राजामौली का कि उन्होंने ऐसी फिल्म का निर्माण किया जो कि हमारे जितने भी फिल्म मेकर हैं उनके लिए, हॉलीवुड के लिए एक रास्ता बहुत अच्छा बनाया है। अब बात हम ये करते हैं कि आज के जमाने में बाहुबली सिनेमा की क्या प्रासंगिकता है, क्या ऐसा सिनेमा समय समय पर बनते रहना चाहिए या फिर इतने महंगे बजट की फिल्में बनाने की कोई जरूरत नहीं। देखिए, अगर आप मुझसे पूछेंगे कि क्या बाहुबली जैसी फिल्मों का निर्माण होना चाहिए तो मेरा जवाब ये होगा, यस। मैं तो ये कहूंगा कि बाहुबली जैसी फिल्मों का निर्माण समय समय पर क्या, बहुत सारे जितने भी यहां पर हैं, चाहे वो बॉलीवुड हो, चाहे टॉलीवुड हो, या जितने भी क्षेत्रीय सिनेमा है, हर किसी को ऐसी फिल्मों का निर्माण करना चाहिए। क्योंकि ऐसी फिल्मों का जब निर्माण होगा तो जब भी भारतीय सिनेमा के इतिहास का जिक्र होगा वो स्वर्णिम अक्षरों में जिक्र होगा। इतिहास अपने आप को स्वयं दोहराएगा और याद भी रखा जाएगा। लेकिन आज जो भारतीय समाज जिन चीजों से जूझ रहा है वो सबसे बड़ा है परिवार। क्योंकि एक बेटा अपनी मां की रख के लिए कुछ नहीं कर पा रहा, उसका मेन कारण है टेक्नोलॉजी, और उस टेक्नोलॉजी के कारण परिवारवाद टूट रहा है। तो ऐसी फिल्मों का जब भी निर्माण होता है उसमें यह दिखाया जाता है कि परिवार जो है कितना अहम होता है। जब भी परिवार टूटता है वो सिर्फ एक विनाश का कारण होता है और हाथों में कुछ मिलता नहीं। तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ यह नहीं है कि आप सिर्फ परिवार को लेकर ही फिल्में बनाइए, प्रेम को लेकर भी फिल्में बनाइए, हर जॉनर की फिल्में बनाइए। ऐसी फिल्में बनाने की कोशिश बहुत सारे लोग कर रहे हैं। जैसे कि अगर हम अभी रिसेंट में बात करें तो अजय देवगन साहब तानाजी बना रहे हैं, सलमान खान भारत बना रहे हैं, ये सारी फिल्में हैं जो कि बॉक्स ऑफिस में बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगी। क्योंकि जैसी जैसी खबरें इन सब फिल्मों के बारे में आ रही हैं हम सबके बीच एक उत्सुकता बढ़ती चली जा रही है। लेकिन बात यहां भारत और तानाजी की नहीं, बात हम कर रहे हैं बाहुबली की कि आखिर बाहुबली जो सिनेमा है उसका वीएफएक्स इतना महान क्यों था, उसके पीछे लोगों की मेहनत थी। क्योंकि ये पहली फिल्म थी जिसके जरिए क्रू मेंबर इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या किसी फिल्म का निर्माण सिर्फ उस फिल्म के हीरो हीरोइन या फिर स्क्रिप्ट राइटर म्यूजिशियन इन सब के जरिए किया जा सकता है? हाँ, इन सब का योगदान है बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन अगर आप इस फिल्म को देखेंगे तो इसके जो क्रू मेंबर्स थे बहुत भारी संख्या में लोग थे। एक प्रकार से यह कहा जा सकता है कि SS राजामौली ने इन फिल्मों के माध्यम से एक रोजगार देने की व्यवस्था की। बहुत सारे लोगों का घर चला था, बहुत सारे कलाकारों ने काम किया था, और एक नई परिभाषा और निकल के आई, सिनेमा बनाने के लिए भाई वर्कशॉप करना जरूरी पड़ता है। अगर आप वर्कशॉप नहीं करोगे ना तो अच्छी सिनेमा नहीं बनेगी। ये SS राजामौली ने ही लोगों को बताया है, और यही कारण है कि हमारे सलमान खान साहब डर गए हैं, अपनी फिल्म भारत के लिए वर्कशॉप करने लगे। और इनको देखो, आमिर साहब सदमे में आ गए हैं, महाभारत पर वेब सीरीज बनाना चाहते हैं। अब उन्होंने भी SS राजामौली से ही कह सकते हो कि सलाह ली है, जाकर के चुपचाप बैठ करके एक कमरे में स्क्रिप्ट पर काम करना शुरू कर दिया। लेकिन मेरा मानना तो यह है कि बाहुबली फिल्म क्या थर्ड पार्ट बनना चाहिए या नहीं,
बाहुबली फिल्म का थर्ड पार्ट तो बनना ही चाहिए। वैसे जो खबरें आ रही हैं, इसके प्रीक्वल की खबरें आ रही हैं, प्रीक्वल का निर्माण किया जा रहा है, वेब सीरीज के माध्यम से दिखाने की कोशिश की जाएगी, ये अच्छी बात है। लेकिन जो मैं देखना चाहता हूं, जैसे कि मैं देखना चाहता हूं बाहुबली का तीसरा पार्ट। कदम नहीं रुकने चाहिए, कहीं ना कहीं इससे राजा मौली थोड़ा सा डर गए, क्योंकि हमारा जो भारतीय सिनेमा है ना, वो एक संकुचित विचारधारा से है, वो सारी चीजों को एडाप्ट नहीं कर पाता है, वो नकलची हो गया है। तो मैं ऐसे राजा मौली से कहना चाहता हूं, आप डरिए नहीं, आपके साथ ऐसे भी बहुत सारे सिनेमा प्रेमी हैं जो आपके साथ खड़े हैं, आपकी बातों को मानेंगे, और आप जब भी बाहुबली 3 का निर्माण करेंगे उसे भी लोग अपने दिल से लगाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप हमें कमेंट करके ये बताइए कि आप बाहुबली 3 का निर्माण होना चाहिए या नहीं। धन्यवाद।